मलिक गुड मॉर्निंग होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड मारा आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मलिक yes? तो भारत माता की yes? तोड़ मलिक तो मालिक दो तीन चीजें बिफोर स्टार्टिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ योर सिलेबस वैसे अपन बात कर रहे हैं दो तीन चीजों में सबसे पहले हमेशा लॉ में क्या होता है सेक्शंस सेक्शन के साथ क्या होता है सब सेक्शन सब सेक्शन के बाद क्लॉज क्लॉज के, के बाद सब क्लॉज ये चार चीज़ें याद रखना लॉ बनाने वाला कौन लॉ मेकर लॉ मेकर किसको देता है पार्लियामेंट पार्लियामेंट से किसको आता है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से जाता है ऑफिशियल गैजेट साइन होने के बाद याद है मालिक ठीक है ये होने के बाद लॉ बन जाता है वेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउ द नेक्स्ट एक्ट ओके याद रखना ये एक्ट आपके सिलेबस के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है उसके दो कारण पहला कारण बेसिकली ये एक्ट आपको फाइनल और इंटर दोनों जगह काम आएगा यानी वॉट एवर यू आर स्टडिंग इन नेक्स्ट एट टू टेन आवर्स अप्रॉक्सीमेटली आप ये इंटर और फाइनल के लिए बेस बना रहे हो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वापस आपको इंटर में इसका बेसिक इतना नहीं जाएगा कोई भी ओके आप कहीं पर भी कुछ कर रहे इंटर में इस क्योंकि ये ऑल टुगेदर ऐसा एज्यूम माना जाएगा कि ये आपको आता है तो आपको जो भी आप यहाँ पर बेसिक पढ़ रहे हो इट इज ओनली फ्रॉम फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज इट विल असिस्ट इन इंटर सेकेंड ओके ये इतना छोटा एक्ट है मतलब यार आठ से दस घंटे के अंदर अपने को आठ से दस मार्क यानी टेक्निकली बात करें एक घंटे का एक मार्क यार, यार इससे बेटर क्या है यार मतलब यू आर स्पेंडिंग द टाइम विच इज रिक्वायर्ड एंड द दूर आउटपुट यू आर गेटिंग इज मच मतलब इट्स यार तो इसीलिए ये दो कारण है जिसकी वजह से ये एक्ट को अपन बहुत थोड़ बोलते भाई ओके okay, और इसमें भी मैं आपको ये बता दू ये मैं आपको बता रहा हूं उस टाइम के सिलेबस का जब इंग्लिश पेपर साथ में था जब इंग्लिश पेपर साथ में नहीं था तब अभी मतलब अभी इंग्लिश पेपर साथ में नहीं है तो अब ये पेपर कितने मार्क का हो गया अब हंड्रेड मार्क में से ये कितने मार्क के लिए आएगा इसका प्रपोर्शन अपने लिए बढ़ने ही वाला है तो यू हैव डेफिनेटली वन ऑफ ऑफ द तोड दिस है चैप्टर का ओवरव्यू या स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो सबसे पहले आप यह ध्यान रखना ओके okay, अपन जो चालू कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम क्या है द कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट कौन सा चालू कर रहे हैं मालिक कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन ओके okay. हाल फिलहाल अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जब मैं आपको लिखने बोलूंगा तब आप लिखने पे रहिए ओके वो चार्ट्स के फॉर्मेट में रहेंगे अभी हाल फिलहाल आपने कुछ भी नहीं करना है आप, आपके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल को यूज करिए तब तक वो भी जब मैं बोल मतलब ले कर रहा हूँ उसके अलावा आपको ऐसी हैबिट है नहीं भाई एक आदमी को सुन सुन के बोल जाएंगे हम इसीलिए हम बुक में देखना चाहते हैं तो बुक में देख के देख लीजिए हाँ भाई क्या ये आदमी बड़बड़ कर रहा है बड़बड़ कर रहा है कि नहीं अदर देन दैट इसके ऊपर ज्यादा हेडेक मत करिए अभी हाल फिलहाल मेनली कंटेंट सुनने पर रखिए सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए कंपनीज एक्ट 2013 इसका इंटरप्रिटेशन क्या जाता है ये एक्ट आया कब होगा कौन से ईयर में आया होगा 2013 इसका मतलब 2013 के पहले कोई कंपनी नहीं बनती थी तो उसके लिए कोई एक्ट नहीं था हां वो कौन सा एक्ट था 1956 कंपनीज एक्ट अब 1956 अपने सिलेबस में सिलेबस मतलब एक्ट ही नहीं है वो रिपील हो गया है क्या हो गया मलिक रिपील रिपील इज मतलब ऑल टुगेदर एबॉलिश किया उसकी जगह नया एक्ट आया एमेंडमेंट और रिपील में यही फर्क होता है एमेंडमेंट जब आता है तो एक्ट के एक्ट के अंदर एमेंडमेंट होता है इसके अंदर अमेंडमेंट होता है बेटा एक्ट में लेकिन जब कोई एक्ट रिपील हो जाता है वो एक्ट किसी और नए एक्ट से रिप्लेस होता है ओके okay, तो so आपको ये रिपील शब्द आपको इंटर में मिलेगा इंटर में आएगा कॉन्सेप्ट रिपील के लिए रिपील होता है मतलब क्या होता है तो रिपील मतलब क्या होता है बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ एनादर एक्ट ऑन दैट एक्ट दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल एक्ट इज रिपील तो कौन सा एक्ट रिपील हो गया आपने लिया अभी 1956 और अभी कौन सा एक्ट आ गया 2013 तो मैं क्वेश्चन ऐसा पूछता हूं 2013 एक्ट ने 1956 को रिपील कर दिया एम आई करेक्ट ठीक है अब 2023 में कुछ अमेंडमेंट्स आए क्या है बेटा क्या 2020 23 में जो अमेंडमेंट्स आए क्या उसने 2013 एक्ट को रिपील किया नहीं उसी एक्ट में मॉडिफाई किया उस एक्ट में क्या किया बेटा मेरे ख्याल से मालिक क्लियर तो रिपील बोला मतलब रिप्लेस्ड हो गया और मॉडिफाई किया मतलब अमेंडमेंट तो जब अपन बोलेंगे ये अमेंडमेंट है या कुछ है तो आपको दिमाग में आना कि ये एक्ट में क्या है मॉडिफाई आपको बता दू एक आपके पूरे सिलेबस का ऐसा है जिसमें अपने एक्ट में पूरा सिलेबस आएगा यानी जब मैं बोल रहा हूं पूरा syllabus, एक 470 है, आपको हर सेक्शन के डिस्कशन हर सेक्शन के आएंगे हर सबसे आएंगे, पूरे के पूरे आएंगे अब इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट आपको खाली सेक्शन के डिस्कशन है सारे सबसे आने नहीं वाले आपको खाली सेक्शन के डिस्कशन आते हैं okay, ज्यादा और कुछ हेडेक नहीं है उसमें ओके okay, अगर आप निगोशिएबल की बात करोगे फिल्टर कंटेंट और आप यहां पर पढ़ोगे आगे थोड़ा बहुत काम आएगा जब अकाउंट्स में एंट्री आएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिलेटेड बाकी आपको सच नया एक्ट आपके लिए नहीं है उसके अलावा आप जो भी एक्ट बोलोगे आपके लिए सोगा हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया आपके पास जो भी सिलेबस है वो सिर्फ एक्ट का सेक्शन के रिलेटेड है आपके क्लॉज सब क्लॉज ऐसा कहीं पर भी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है भरा पूरा परिवार नहीं है समझ में आ रहा है तो भरा भरा पूरा परिवार एक ही है

क्या अंदर भी भी पब्लिक कंपनी कंपनी बात प्राइवेट होती है पब्लिक कंपनी भी होती है एवरीबडी क्लियर इसके अलावा ओपीसी भी होती है वन पर्सन कंपनी तो मेरा क्वेश्चन है क्या यह एक्ट प्रोपराइटर फॉर्म को एप्लीकेबल है क्या प्रोपराइटर याद है ना आपको अकेला काम करने वाला अच्छा क्या यह एक्ट पार्टनरशिप फॉर्म को एप्लीकेबल है क्या बात खत्म तो यह एक्ट किसको एप्लीकेबल है कंपनी अब मेरा क्वेश्चन है ओके okay, कंपनीज जो अपन बात कर रहे हैं शांति से सारे जाना कंपनीज जो बात कर रहे हैं मैं वापस बोल रहा हूं आज के एजेंडा में आप बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है और उसके बाद क्वेश्चन का मेन करने वाले कंपनीज होती है तो आपने बोला कंपनीज मतलब कौन सी तो मैंने बोला ये कंपनीज को है तो क्वेश्चन है एच बैंक क्या है एचडीसी बैंक क्या है कंपनी है कि नहीं है मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है क्या कंपनी है या नहीं है क्या लगता है कंपनी है जैसे एक जन ने क्या बोला आपने बैंकिंग कंपनी है बैंकिंग बैंकिंग छोड़ दो मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है कंपनी है या नहीं है है ठीक है यानी आपका कहना है है ये एक्ट बैंकिंग को को भी एप्लीकेबल होगा आवाज नहीं आ रही है मेरे को. तो क्या ये आपके हिसाब से ये कंपनी एक्ट बैंक को एप्लीकेबल होगा हाँ या ना ठीक है अब मेरे को ये बताइए क्या बैंक को और कोई एक्ट चलाता है क्या क्या बैंक का कोई और बाप एक्ट है क्या कौन सा एक्ट या बैंक को कौन चलाता है मेरे को बताओ बैंक को चलाता कौन है अच्छा आपने इंडिया में बैंक्स बताया ना तो अपने इंडियन बैंक्स को चलाने वाला कौन तो आरबीआई बाप है उनका कंपनी चाचा मामा काका वो कंपनी उनका मेन बापू कौन है आरबीआई तो बोलता है मैंने जो एक्ट लगाया वो बैंक को एप्लीकेबल है लेकिन क्योंकि बैंकिंग एज ए कंपनी फॉर्म हुई है बैंकिंग क्या फॉर्म हुई है इसीलिए बैंक को कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा बैंक को कंपनीज एक्ट भी क्योंकि मैं

लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 200-500 तो करोड़ उड़ा सकते हैं समझ रहे इसके बाद आएगा एक बंदा जो 100 करोड़ ऐसे उड़ा सकता है इसके उसके बाद और एक बंदा आएगा 500 करोड़ ऐसे उड़ा सकता है तुम्हारे मतलब ऐसे लेक्चर समझ में आ रहा है तुमको तो तुमको शेड्यूल मालूम ही रहेगा तो जैसे जैसे शेड्यूल में तुमको बस समझ में आई आई होप यू आर क्लियर तो वो कैपिटल देने वाले मेरे पास लोग हैं सब कुछ है सबसे पहले अब मेरे को बताओ ओके इसका सीधा ये ऑफिस खोल खोलो बैंक है ओके एटी तोड़ बैंक तोड़ बैंक चालू हो गया चलो चलो आओ लोन चाहिए लोन चाहिए लोन पहले नहीं मिलेगा पहले डिपॉजिट दो आगे okay, तो मेरे को बताओ तोड़ बैंक खोलने का, तो पहले क्या करना पड़ेगा रजिस्टर करना पड़ेगा एवरीडे क्लियर अच्छा मेरे को बताओ बैंकिंग बिजनेस या अनलॉफुल स्मगलिंग नहीं है बैंकिंग है ओके किडनी नहीं बेच रहे बैंक बैंक चला रहे लोन बेच रहे मतलब पैसे बेच रहे तो बैंकिंग है लॉफुल या अनलॉफुल ठीक है ओके अब मेरे को बताओ हम कौन सी कंपनी खोलना चाहते हैं प्राइवेट या पब्लिक पब्लिक बैंक पब्लिक खोलना चाहते हैं प्राइवेट बैंक नहीं खोलेंगे पब्लिक खोलेंगे बैंक हमेशा पब्लिक ही रहती okay, तो खोलेंगे, है ओके हजा, हजार भी हो सकते जितने चाहिए किसमें लिमिट नहीं है नहीं नहीं किसमें लिमिट नहीं है पब्लिक प्राइवेट कंपनी में हमेशा लिमिट होती है देखेंगे में जाएंगे तब देखेंगे पर मैं आपको बता रहा हूँ तो अपने बैंक के लिए कौन सी कंपनी खोली पब्लिक ओके okay, तो अपने पास भाई इतने सारे लोग हैं कोई टेंशन नहीं है तो बैंक के लिए मेंबर है मतलब तुम लोग पैसे दोगे भाई बैंक के शेयर्स खरीदोगे बैंक को धंधा करने के लिए पैसा चाहिए तो दो सौ पांच सौ करोड़ वाले तो है ही लेकिन भाई और भी तो चाहिए पैसा ठीक है तुम लोग है ठीक है ये हो गया तीसरा क्या कंपनी को एमओ लगेगा एमओ का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन याद रखना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कोई भी कंपनी फॉर्म मेरे को बताओ क्या एमओए पे साइन लगेगी किसकी लगेगी सब्सक्राइबर्स प्रोमोटर बोलते हैं सब्सक्राइबर बोलते हैं जिसको अपन मेंबर्स भी बोलेंगे आगे तो भाई वो लोग साइन करेंगे क्या करेंगे अभी अपन सब लोग है मेंबर्स है में साइन करेंगे किसके ऊपर एमओए और सीधा अभी कंपनी खोल देवे नहीं किसके पास जाना पड़ेगा आर ओ सी ये आर ओ सी ये लेना हमारा एमओ ले, ले सी ए की साइन वाइन ले ले ये ले भाई डॉक्यूमेंट दिया हमने फिर आर ओ सी रजिस्टर करेगी और आर ओ सी हमें एक कुछ देगी वो होगा ओ आई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अब मेरे को बताओ क्या मैं बिजनेस चालू कर सकता हूं पक्का मेरे को अरे कंपनी एक्ट में लिखा है जैसे ही तुम्हें सीओ आई मिल गया जैसे ही तुम्हें क्या मिल गया कंपनी बिजनेस चालू कर सकती है कंपनी क्या चालू कर सकती है लेकिन बिजनेस कौन सा है बैंकिंग का दिक्कत आ गई आरबीआई बोलता है हमसे पूछे बिना तू तो अंकल के पास जाके आया ठीक है पप्पा पप्पा इधर है तो पहले किसके पास आओ पप्पा के पास पहली बात ओके okay, आप ये ध्यान रखना बिना आरबीआई के लाइसेंस के आप कंपनी खोल ही नहीं सकते थे क्योंकि आपने एमओए दिया एमओए में एक चीज होना जरूरी था लाइसेंस किसका लाइसेंस अरे वही लाइसेंस नहीं देगी मान बड़ा कंपनी खोल गई क्या मतलब तमबूरा क्या बजाएंगे अपन ओके okay, अरे भाई जब तक आरबीआई लाइसेंस नहीं देगी अपन क्या काम करेंगे भाई तो सबसे पहले मेरे को बताओ क्या करना है सीक्वेंस चेंज करो

दोनों पक्का यानी इन शॉर्ट मेरा उल्टा क्वेश्चन आ रहा है क्या बैंक को कंपनी करना है क्या मैं क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूं एकदम आराम से क्या बैंक को कंपनी करना है क्या पक्का क्या बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करना है ठीक है अभी दिक्कत एक दिक्कत यह है कंपनी बोलता है कंपनी बोलता है कंपनी एक्ट बोलता है हमारा पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनी एक्ट बोलता है हमारा पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम शेड्यूल थ्री में दे रहे किस में दे रहे बेटा शेड्यूल थ्री फॉलो करो उसके हिसाब से पीएनआर बैलेंस शीट बननी चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है ओ भाई साहब भाई साहब बैंक का धंधा है ना हम आपको पीएनआर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहे हैं आप वही फॉर्मेट फॉलो करोगे अंकल या पप्पा पक्का तो अंकल तो गुस्सा हो जाएगा होने दो अरे क्या मजा कर, कर रहे हो अंकल कर तो अब इस केस में क्या होगा कौन सा एक्ट होगा बैंकिंग रेगुलेशन कंपनी नहीं तो यार ऐसा कैसा ऐसा याद रखना मैं आगे तीन मतलब आगे मैं नाम बताते जाऊंगा आपको ओके आप देखना जब भी आप बैंकिंग रेगुलेशन मतलब बैंक रहे हो तो बैंक में कंपनी रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल है ओके आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है आपको क्या एप्लीकेबल है आप कौन बैंक लेकिन ओके okay, अगर आपके कंपनीज एक्ट में और आपका जो मेन एक्ट है जिसमें आपको लाइसेंस मिला है क्या बोला मैं जिसमें आपको लाइसेंस मिला है अगर दोनों में इनकंसिस्टेंसी है दोनों में कौन सी क्या है कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा ओके okay, आपका जो ओरिजिनल एक्ट है जिसने लाइसेंस दिया है अगर दोनों में है यानी example, suppose, सुनो सुनो डायरेक्टर कैसे करेंगे अभी डायरेक्टर जो काम करने वाले लोग डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर का नाम अभी दिमाग में रख लो डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेंगे कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए कंपनी आया ठीक है कुछ फॉर्म साइन करने हैं कंपनी नहीं लिखा है लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन में लिखा है कौन सा एप्लीकेबल होगा पक्का समझ में आ रहा है लेकिन पीएनएल बैलेंस शीट फॉर्मेट दोनों में दिया है तो कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा तो मेरे को बताओ समझ में आया क्या यानी अगर कोई कंपनी कान खुले में क्या बड़बड़ कर रहा हूं नहीं समझा समझा क्या नहीं समझा पक्का 15 लोग समझा तो अगर कोई कंपनी फॉर्म हुई है और वो अगर कोई स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है कोई कंपनी फॉर्म हुई है और वो कोई स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है उस केस में अगर इनकंसिस्टेंसी रही कौन सा एक्ट सस्टेन करेगा स्पेशल एक्ट कौन सा एक्ट सस्टेन करेगा और एक कंपनी बताओ सर इंश्योरेंस कंपनी कौन सी कंपनी अब मेरा क्वेश्चन है इंश्योरेंस कंपनी को किस में लाइसेंस मिलता है कौन लाइसेंस देता है इंश्योरेंस कंपनी को कह नहीं कंपनी सी ओ आई देता है जन्म देता है मतलब एक बर्थ सर्टिफिकेट देता है लेकिन लाइसेंस देने वाला कौन है ये कर सकता है आई आर डी ए IRDA सुना है कभी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वापस आते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिलेबस है अपना समझ में आ रहा है मतलब ऐसा नहीं ना, बड़ बड़ है डी बड़बड़ कर रहे जाने डी ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनका एक आई एक्ट है तो अगर मुझे इंश्योरेंस का बिजनेस चालू करना है चलो सपोज आज डिसाइड करते है। चलो इंश्योरेंस चालू करते हैं कोई मर गया तो पैसे देंगे लेकिन पहले उसे जब जिंदा रहेगा तो पैसे लेंगे कैसा है भाई चला जिंदा है तो पैसे लेता है मर गया तो आप पैसे ऊपर लग जाएगा अरे भाई रे भाई, रे भाई। जीवन के साथ भी तुमको मालूम है कै? सबसे थोड़ा एड जो देता है ना वो इंश्योरेंस कंपनी वाला देता है सबसे इमोशनल एड रहती है इंश्योरेंस के मतलब इंश्योरेंस के एड में सलाह आदमी को ऐसा मतलब मतलब इमेजिन करो प्रोडक्ट बेचते कोई भी तो बताता है ये प्रोडक्ट में ये खास बात है ये प्रोडक्ट में ये खास बात है इंश्योरेंस में ये खास बात है कि तुम मरेगा ना तो अरे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपन मरने के बाद के मतलब समझ रहा है बेचने वाला क्या इमोशन देता है और आप देखना कितने इमोशन ऐसा रहेगा ओके okay, देख एक मतलब आई डोंट नो वो मतलब, बहुत पुरानी है वो पर मेरे को मेरे बचपन की मेरे को बचपन का एकदम मतलब, ऐसा भारी नहीं लगता था और ऐसे बहुत ऐसा मतलब ऐसा हाँ नहीं है मतलब भारी मतलब उसमें कोई ऐसा मतलब थी नहीं पर ऐसा था एक आती है लेडी आती है और अरे सुन रहे बेटी की शादी होके आती है और बोलती है बेटी की शादी हो गई और इनके जाने के बाद हमको लगा था कि शादी कैसे होगी लेकिन जब ये थे तो इन्होंने बंदोबस्त कर दिया था, था क्या इमोशनल पॉइंट आप समझे मतलब टेक्निकली समझे मतलब यार क्या मतलब वो एड किस तरह सेल द प्रोडक्ट एंड हाउ इट इज सोल्ड मतलब भाई यार वो जो भी एड होती है इंश्योरेंस कंपनी की तो इस कंपनी को चलाने के लिए इस बिजनेस को चलाने के लिए इट इज नॉट इजी मैं आपको बता रहा हूँ पूरे इंडिया में सबसे मतलब बहुत तोड़ पैसे वाला बिजनेस है ना बैंक नहीं है इंश्योरेंस है इंश्योरेंस के पास आपका नेट ओन बहुत भयंकर होना चाहिए नेट ओन फंड मतलब खुद का पैसा नेट ओन्ड मेरा पैसा पब्लिक का पैसा लेके तुम्हारा प्रीमियम आएगा ना अभी एग्जाम्पल भाई यार पचास अभी तुमको नहीं है पचास जन से प्रीमियम लिया उसमें से एक मर गया उसी को तो देना है पर ये बिजनेस ऐसा नहीं चलेगा आपके पास आपका पैसा चाहिए ओके okay, ये किसने बोला कंपनी जैक ने नहीं बोला आई आर डी तो मेरे को बताओ अगर इंश्योरेंस बिजनेस चालू करना तो किसके पास लाइसेंस लेने जाऊंगा लाइसेंस देगा लाइसेंस देने के बाद आर ओसी से क्या मिलेगा अब चालू कर सकते हैं इंश्योरेंस बिजनेस ठीक है अब मेरा क्वेश्चन है ओके okay, हम प्रीमियम कितने में बेच सकते हैं ये आर में लिखा है कंपनी एक्ट साइलेंट है एक्ट पक्का क्लियर ठीक है डायरेक्टर अपॉइंट कैसे करते हैं आई आर साइलेंट है कंपनी में लिखा है परफेक्ट ओके पीएनएल बैलेंस शीट दोनों में लिखा है 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 तो मेरा question, समझ में आ रहा है? आप लगाओगे और एक company पे इलेक्ट्रिसिटी तो Bank. ये आपको अकाउंट्स में भी काम आएगा मेक इट श्योर ये आपने को काम आएगा आगे बट नेवर दस पहला वापस क्वेश्चन मेन आता है कंपनी किसको किसको एप्लीकेबल है कंपनीज और कंपनी कंपनी प्राइवेट पब्लिक सब सब आ उसमें. का लौ, उसमें सब आ का डेफिनेशन अपन देखेंगे लॉजिकली गया उसके अलावा बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी लेकिन उसके साथ में क्या लिखोगे अगर उनके कोई स्पेशल एक्ट है और स्पेशल एक्ट और कंपनी तो एप्लीकेबल होगा एग्जांपल क्या है उसका शीट नहीं, नहीं बैंकिंग, बैंकिंग दोनों में दी है <coughs> किस में दिया हुआ है कंपनी एक्ट में भी दिया है बैंकिंग में भी दिया है या इंश्योरेंस में भी दिया हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी में भी दिया हुआ है तो कौन सा एक्ट चलेगा स्पेशल एक्ट ये ध्यान रखना ओके एवरीबॉडी क्लियर ठीक है तो पहला पॉइंट ओके इट इज एप्लीकेबल टू कंपनी थोड़ी सी जानकारी ले लेते घाई नहीं करना मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको समझने कोशिश करो और कोई भी सेक्शन में अभी हेडेक मत करो मालिक समझ मारा समझ है सॉरी मालिक साइलेंट करना था ओके okay, तो अब क्वेश्चन कुछ चीज़ों पे आते हैं मॉड्यूल में अभी आपको देखना है आप देखिए मैं मॉड्यूल का फ्लो करूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा ठीक है ट्वेंटी थर्टिन के पहले कौन सा एक्ट था तो अब मेरे को बताओ अगर कोई किसी ने एक कंपनी खोली होगी जो नाइनटीन में खोली हुई एग्जाम्पल इन्फोसिस सुने क्या इन्फोसिस ठीक है अगर सुना है तो गुड इनफ नहीं सुना है तो तो भी अच्छा कोई दिक्कत नहीं है फिर भी क्या है अपने कोई इन्फोसिस ऐसा ऐसा थोड़ा ना कुछ है तो इन्फोस इंटरनेट अच्छा हो इज्जत दे मेरे को आ गया भाई स्क्रीन पे देख रहे दिख रहा है इन्फोसिस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड यानी एमओ एंड ए मेरा सिर्फ एमओ ए में अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे को कुछ दिखाना है तुमको स्ट्रक्चर में अब मेरे को बताओ ओके okay, इन्फोसिस बाकी आ गया है ये देखो ये क्या दिख रहा है ये जैसा तेरा बर्थ सर्टिफिकेट है ना एकदम ऐसे किस में दिखता है फटा पुराना रहता है मालूम है ना नहीं पर आगे की जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ मेरे पापा ने भी अच्छे से संभाला था लेकिन ऐसा दिखता ऐसा था हमारे इसमें अभी रितिका आदि जो मेरे 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 आगे के जनरेशन है मतलब आगे जैसे तुम लोग वही पॉइंट पे हो लेकिन थोड़ा सा गैप है ठीक ठीक नहीं है मैं बता रहा हूँ ओके okay, तो उनके सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से संभाला है मैंने कलरफुल लिया है ओके okay, मैंने स्कैन वैन किया हुआ है अच्छे से किया हुआ है तो ऐसा नहीं दिखेगा अभी नए सी ओ आई दिखेंगे अगर आप अब अभी के सी ओ देखोगे ओके अभी की कंपनी रिसेंट वाली रजिस्टर्ड मैं दिखाऊंगा आपको एम के टाइम पे लेकिन आप देखोगे सो यू विल कम टू नो दे आर वोट डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट है लेकिन अपने को मतलब बर्थ सर्टिफिकेट तो बर्थ सर्टिफिकेट है पुराना हो या अब मेरा क्वेश्चन है कंपनी एस्टेब्लिश कब हुई है मेरे को बताओ अच्छा क्या क्या दिख रहा है पहला पॉइंट सर्टिफिकेट ऑफ एनी कॉरपोरेशन उसके चीजें कुछ नंबर दिख रहा है ऐसा नंबर तुमको ऐसा मालूम है ना नंबर दिया जाता है तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने भी तुमको एक नंबर दिया है कौन सा नंबर डब्ल्यू आर ओ नंबर मालूम है ना Okay, is, क्योंकि वो तुम्हारे नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहती है। ऐसा हो सकता है कि नाम दो नाम हो सके लेकिन नंबर यूनिक होते हैं ये नंबर होते हैं आज के डेट में ये नंबर 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 से रिप्लेस हो रिप्लेस हो हो गए गए किससे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं समझा दूंगा वो कैसे क्या नंबर है यूनिक नंबर है जैसे पैन नंबर होता है ना जीएसटी नंबर सबके यूनिक नंबर है तो सीआईन नंबर पर ये रिप्लेस हो चुका है ओके okay, ऑफ कौन सा ईयर यानी टेक्निकली ये बनी कब होगी 1981. फिर बाद में कुछ तो लिखा है हिंदी में okay, so, उसके बाद लिखा है यानी या या जो हुई हुई? थी वो थी? वो वो कौन सी बाद में वो किस में किस उसका अलग से भी रहेगा. लेकिन टेक्निकली मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग वाला कब बने कब बनी है? मेरे को बताओ. कब कब हुआ है बॉम्बे में बॉम्बे में सेकेंड जुलाई नाइनटीन मेरा क्वेश्चन है इनकॉर्पोरेट कब हुई? चाहिए ना सेकेंड जुलाई नाइनटीन तो मेरे को बताओ ओके नारायण मूर्ति एंड अदर पर्सन दिस कंपनी गैदर्ड वेन सब्सक्राइबर एमओ ए सब कब बनाया होगा सेकेंड जुलाई नाइनटीन एटी वन के पहले या नाइनटीन एटी वन के बाद पक्का ठीक है और सेकेंड जुलाई नाइनटीन एटी वन को आर ओ सी ने उनको दे दिया कि तुम सर्टिफाइड हो एवरीबडी क्लियर और इसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस चालू किया इसके बाद ये कन्वर्ट हुए पब्लिक में गए नया एमओए आया है एमएंड किया बहुत सारे ऑप्शंस है मेरा क्वेश्चन है क्या कंपनी दैट 2013 2013 इनको एप्लीकेबल है क्या कंपनी yeah. फॉर्म कब हुई है नहीं नहीं कंपनी फॉर्म कब हुई है yeah. 1981 और ये कौन से एक्ट में फॉर्म हुई है ओके okay, और अगर आप देखोगे सर okay, so, ये फॉर्म फॉर्मेशन इधर इधर लिखा है क्या कंपनी का ये देखो कंपनी एक्ट 1956 मेरे ख्याल एवरीबडी एग्री है इनको कौन सा एक्ट एप्लीकेबल था सब क्वेश्चन है ट्वेंटी थर्टीन एक्ट एप्लीकेबल होगा क्या होगा कि नहीं होगा पक्का होगा एवरीबडी होगा कैसे ऐसे ऐसे कैसे होगा अच्छा अपने आप होता है या बताना पड़ता है एक्ट कभी भी कोई चीज बताता है कोई भी अगर आपको याद होगा मैंने एक चीज क्लियर की है इमोशंस नहीं एक्ट ऐसे अपने आप डीम नहीं होता है तो एक्ट में लिखा है कि यह एक्ट एप्लीकेबल उस कंपनी को भी है जो इस एक्ट आने के पहले फॉर्म हुई थी और कब कौन से पुराने एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है पुराने एक्ट में क्या हुई है incorporate तो मेरा क्वेश्चन कंपनी दैट किसको किसको एप्लीकेबल कंपनी को पहला आंसर मेरे को देते जाइए जो जो मैंने सिखाया है उस फॉर्मेट में जाते जाइए कंपनी बैंक इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी ओके और ये तीन चीजें याद रखिए उसके बाद अब ओके कंपनी विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन अर्लियर कंपनी व्हिच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन समझ में कुछ आया मालिक एवरीबॉडी देखिए ये जब तक लिखा नहीं जाता जब तक बताया नहीं जाता तब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये बताया गया है ओके okay, और इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मेरे को बताओ नाइन एक्ट क्या हुआ मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले नाइनटीन फिफ्टी सिक्स क्या हुआ है रिपील क्या हुआ है? अब जब मैं बोल रहा हूँ रिपील हुआ इसका मतलब वो तो निकल गया और उसकी जगह नया एक्ट कौन सा आया ओके okay, अब इमेजिन करो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में एक डायरेक्टर ओकेज्ञा okay, इसमें ये डायरेक्टर ये जो चिल्लम चिल्ली कर रहा है ओके okay, ये डायरेक्टर है 1956 में 2012 में ओके okay, कांड करते हुए पकड़ा गया कंपनी जैक का कांड कौन सा कांड कंपनी जैक का पकड़ा गया ठीक है अब उसको सजा हुई पांच साल जेल की के बस पांच साल मां कसम ओके okay, पांच साल की सजा हुई कितने साल की कौन से ईयर में हुई 2012 में कौन से एक्ट के अंदर मेरा सवाल है एक्ट 19, 2012 में था लेकिन 2013 में चेंज नहीं हुआ रिपील हो गया यानी वो एक्ट है ही नहीं तो इस बंदे को अभी क्या ये तो जेल से निकालो जिसके अंदर मुझे सजा दी गई वो है ही नहीं हाँ okay, क्या क्या ऐसा निकल सकता है क्यों हाँ एक्ट में भी मेंशन रहेगा पनिशमेंट लेकिन कंपनी में कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन कब से एप्लीकेबल होगा हाँ ट्वेंटी थर्टीन एकदम देखो मैं वापस बोल रहा हूँ मैं ये बहुत तोड़ बेस क्लियर कर रहा हूँ और ये चीज़ अच्छे से समझ लेना मैं वापस बोल रहा हूँ दो जगह तोड़ काम आएगा फाउंडेशन इंटर फाइनल में तो तेरी जिंदगी चलने वाली है ओके फाइनल फाइनल इज फाइनल लेकिन ये दो जगह तोड़ काम आएगा मैं जो समझा रहा हूँ प्लीज समझ लीजिए मेरा क्वेश्चन है ओके कंपनीज ट्वेंटी थर्टीन किसको किसको एप्लीकेबल है अभी तक क्या बताया मैंने तीन चीजें बताई मैंने बोला कंपनी बैंक इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रीवियस लॉ प्लीज अंडरस्टैंड इसका इंटरप्रेशन बहुत तोड़ रखी है जब मैं बोल रहा हूं प्रीवियस लॉ प्रीवियस लॉ मतलब कंपनी बनी कब है पुराने लॉ में आप इमेजिन कर सुन सुन मैं क्या बोल रहा हूं यह कंपनी बनी थी इन्फोसिस बनी कब थी नाइनटीन में इंफोसिस ने दो में कुछ कांड किया एवरीबडी क्लियर है मेरे साथ लेकिन वो कांड 2010 में नहीं पकड़ा गया ओके okay, जब मैं कांड बोल रहा हूं ये कांड मेरी लैंग्वेज है समझ में आ रहा है इसको अपन बोलते हैं वायलेशन क्या बोलते हैं वायलेशन नॉन कंप्लायंस ठीक है पर मेरे लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कांड तो इस कंपनी ने कांड कब किया दादा दादा दा। देख भाई तूने भी कुछ कांड किए होंगे लेकिन पकड़े बाद में गए होंगे या तो अभी तक कोई कोई पकड़े भी नहीं गए होंगे ओके जो नहीं पकड़े गए बहुत भारी है Okay, मतलब अभी भी उसके अंदर एक डर है कि कभी ना कभी पकड़ा जा सकता हूं जो पकड़ा गया है जो उखंडा उखड़ लो ओके okay, और जिसने अभी तक कांड नहीं किया है वो तो अभी कोशिश कर रहा है अंडे से बाहर आ रहा है देखते हैं भाई तो कवड़े कवड़े <laughs> तो नेवर मेरा क्वेश्चन है कांड कब हुआ दो हजार दस सुन मेरी बात एकदम अच्छे से और पकड़ा कब गया दो हजार पंद्रह कब पकड़ा गया अब मेरा क्वेश्चन सुन एकदम आराम से सुन मेरा क्वेश्चन है इधर ओके okay, यहाँ पर मिस्टर ए है और ये बोला गया है ओके okay, तुम्हें जेल की सज़ा होगी क्योंकि तुमने 2010 में ये फ्रॉड किया ओके okay, ये मिस्टर ए बोलता है मैंने 2010 में जो फ्रॉड किया था उस टाइम पे कंपनी एक्ट 1956 था अब 2013 है तो मैं कैसे लायबल मैं लायबल कैसे तो फिर कंपनी एक्ट 2013 बोलता है ओ चमू मिस्टर ए इधर

मिस्टर ओके आर मिस्टर आर मिस्टर आर जो है इसने 2012 में जेल की सजा मिली पांच साल की मेरा क्वेश्चन है अब मेरे को बताओ ट्वेंटी आया तो कौन सा निकल गया निकल गया सब लोग मेरे साथ क्लियर मेरे को बताओ जब नाइनटीन निकल गया ओके जब ये एक्ट ही नहीं है तो इसको जो कन्विक्ट किया गया था कन्विक्ट मतलब सजा सुनाई गई थी उसको बोला गया था तू 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 करप्ट है कन्विक्ट मतलब कन्विक्शन तू मतलब तू मतलब समझ रहा है मालिक इमोशन लो रे एक्शन मत लो इमोशन समझ रहा है क्या तो कन्विक किया गया किसको कन्विक किया गया मिस्टर आर को अब मेरा क्वेश्चन है ये बोलेगा जब वो लॉ ही नहीं है जिसके अंदर मुझे सजा सुनाई गई मुझे कैसे अब तुम जेल में बंद कर सकते हो आप समझ रहे हो क्या, क्या तो इसके अंदर तो मिस्टर आर बच जाएगा अभी इसके अंदर आप बोलोगे अरे फिर सर ये जो आपने बोला ये कॉन्सेप्ट सरवाइव होगा नहीं ये कॉन्सेप्ट क्या बोला था प्रीवियस जो लॉ में जो भी कंपनी बनी होगी प्रीवियस लॉ में जो भी उसको इस एक्ट के सेक्शन हम लगाएंगे इस एक्ट जो अभी एक्ट चल रहा है ना उस एक्ट के हम सेक्शन लगाएंगे यानी अभी इन्फोसिस ऐसा नहीं बोल सकता ओके इस, इस, इस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मेरे अंदर अगेंस्ट इंक्वायरी मत करो क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलेगा मैंने बोला था कि मैं किसको किसको एप्लीकेबल हूं कोई पुरानी कंपनी उसको भी मैं एप्लीकेबल हूं समझ में आया पर ये वाला तो कॉन्सेप्ट अटक गया तो जब तो सुझा, सुझा तो अरे तो मेरे को बता सजा गई तब okay, है। है। मतलब मालूम है बकवास लेकिन बहुत रिलेवेंट है ओके okay, तो इमेजिन कर रेड ब्लू ग्रीन तू रेड पे सिग्नल क्रॉस किया रेड येलो इमोशन रेड येलो ग्रीन ओके तूने रेड पे सिग्नल क्रॉस किया पेनल्टी लगी एवरीबडी तेरे को पेनल्टी आई पांच दिन जेल में ठीक है दो दिन के बाद वो एक्ट निकल गया और बोला देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेड ओके देर इज ब्लू येलो एंड ग्रीन ब्लू पे रुक रुकना है ठीक है ग्रीन पे रुकना नहीं है ग्रीन पे चलना है पर किस पे रुकना है अब ये बोला रेड कलर तो है ही नहीं तो मेरे को सजा किस बात की तुम समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है देखो आपको क्या लग रहा है कभी वर्ड में होता है खाली 2013 बस ऐसा ऐसा डाला क्या अबे पूरा रिवेम्प हुआ है ऐसा हो सकता है उस लॉ में कुछ सजा थी ये वो सजा है ही नहीं ऐसा हो सकता है पुराने लॉ में ऐसी सजा थी सात साल की अभी वाले नए लॉ में एक साल की सजा ये तो बोलेगा ना ओके इसके भाई यार मेरे को जुम्म के लिए सात साल दिया है अभी नए लॉ में तो एक साल ही है तो आप मेरे को बताओ इस केस में क्या होगा क्या उसको एक साल दे देने का छोड़ देने का तुमको समझा क्या अच्छा मेरे को बताओ पहला क्वेश्चन समझा क्या अच्छा मेरे को बताओ मैं दो चीज समझा रहा हूं जो येल्लो किया स्क्रीन पे येल्लो समझ में आ रहा है ब्लू नहीं येल्लो जो स्क्रीन पे किया हुआ है येल्लो जो स्क्रीन पे किया हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है समझा

ऐसे करेंगे क्या लगता है ऐसा कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो मेरा क्वेश्चन ये है कहां पर लिखा हुआ है कहीं तो देखो बिना लिखे इमोशन पे अपन नहीं चलेंगे ओके okay, ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है सर 2013 एक्ट सजा भी थी वो पुराना एक्ट पे चलेगा और 13 आने के बाद पुराना एक्ट पे चलेगा देख भाई आपके भाई साहब ने कबला 2013 में जो सजा हुई थी 2012 में जो सजा हुई थी उसको पुराना एक्ट एप्लीकेबल होगा

फाइनल में अपन मिलेंगे वापस सब कुछ डाउट रहा था मेरे को पूछ सकते हो को कोई टेंशन नहीं है अच्छा आदमी हूँ okay, तो, जब डायरेक्टर की बात होती है डायरेक्टर सेक्शन वन सिक्सटी वन वन एट्टी वैसे बैरक देखना है तो तुम देख सकते हो किधर भी ओके okay, पर उधर ऐसा लिखा है ओके इफ इफ ही डिड नॉट फाइल रिटर्न रिटर्न ऑफ कंपनी ओके ही शेल पे पेनल्टी ही शेल पे पेनल्टी ऑफ फिफ्टी थाउजेंड यानी अगर डायरेक्टर ने अगर रिटर्न रिटर्न कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स टाइम पे फाइल नहीं किए तो डायरेक्टर को कितनी पेनल्टी है पचास हजार एवरीबडी क्लियर पक्का पक्का अब इमेजिन करो इस डायरेक्टर की पदवी पे ओके okay, एक मैडम बैठी है क्या सर श्रिया जी आप मैडम बैठी है डायरेक्टरी पदवी पे अब इन्होंने डिफॉल्ट किया आर ने बोला पचास हजार मैडम बोली आर ओ सी औकाद में इट इज नॉट रेड ब्लू ग्रीन इट इज रेड येलो ग्रीन ओ, ओ, ओ तो अब सवाल यह आता है सुनो मालिक सुनो मालिक अब सवाल यह आता है मैडम इंटर मैडम डिबेट क्या करिए मैडम बोल रही है इधर लिखा है इफ ही <laughs> समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से लॉजिक बैठा तो अब सवाल है इधर प्रॉब्लम आ गई अब क्या करें अब इसमें क्या फीमेल पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा क्या वैसे हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन वी डोंट डिस्क्रिमिनेट आई डोंट डिस्क्रिमिनेट ओके मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं मेरे लिए रितिका भी एक जैसी है आदित्य भी एक जैसा है लेकिन सारी प्रॉपर्टी रितिका के नाम की है ओके बट जो जबाट पर लेकिन मेरे को बताओ इस केस में क्या वो लेडी लायबल रहेगी पक्का कैसे 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 अच्छा बाकी ये छोड़ दो सीए एक्ट में सीए एक्ट में सी एफ में ऑडिट है सीए एफ के ऑडिट में सीए एक्ट है मैं पढ़ा था ऑडिट भाई बहुत भारी पढ़ा था सीए एक्ट भी पढ़ाता था ओके okay? और उसके अंदर पूरे जगह लिखा है इफ ही डज नॉट गिव सर्विस प्रॉपरली ही विल बी गिल्टी तो मेरे को बताओ जो सी है वो कभी गिल्टी नहीं होगी कभी गिल्टी नहीं होगी बोले वहां के चलो कांड करते हैं भाई, ऐसा होगा क्या तो फिर क्वेश्चन है ऐसे कैसे ऐसे कैसे गिल्टी गिल्ती हो? नो देन इन सर्टन एक्ट एग्जाम्पल बात कर रहा हूं मेरे को बताओ प्रॉपर्टी में लीगल है मैं चलो अभी ये बोले जनरली जनरली अपन ऐसे ही बोलते हैं अच्छा सुनो सुनो हिंदू एक्ट में

पर ठीक है अभी इसको क्या क्या करें मतलब अभी अभी इमेजिन करो मेरी अगर दोनों डॉटर होती तो गया गवर्नमेंट बट दैट इज हाउ द एक्ट सर्वाइज अपन डिबेट नहीं कर रहे इधर एक्ट क्यों बना ओके okay, उसके लिए बैठना है तो जाइए ओके okay, लड़िए वोट मैं वोट दूंगा तुझे लेकिन अभी क्वेश्चन मेरा आया है उधर मेरे को बताओ क्या ही को शी रिप्रेजेंट करेंगे क्या उधर तो ही का ही रहने वाला है ये सिनारी है तो आप समझे दिक्कत क्या क्या आई ऐसे सब दिक्कत को हैंडल करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ने संभाला है किसने संभाला है कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है ना कॉन्स्टिट्यूशन अभी तो बहुत डर में अभी तो न्यूज में बहुत है कॉन्स्टिट्यूशन सुना होगा ना ओके okay, अभी ऐसा बोला जा रहा है कि मोदी जी मोदी जी नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे फिर मोदी जी आए अरे यार ऐसा कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ला सकते हैं हम ऐसा है मानो ना अपोजिशन बोल रहे हैं नया अबे भाई मतलब मोदी जी रह गए तो नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा भाई पूरा डिक्टेटरशिप रहेगा वो 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 जो तुम्हारे अधिकार खत्म हो जाएंगे वोटिंग होगा लेकिन खाली उनको ही जाएगा आ, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है ओपोजिशन ने तो मोदी जी अभी दो दिन पहले आए मानो बड़ा ना मोदी जी दो दिन पहले आए है कि नहीं तुम लोग एक्टिव सोशल मीडिया पे खाली है कोई नहीं है सोशल मीडिया पे नहीं हो तुम लोग हैशटैग यार गुलाबी साड़ी अरे यार भाई यार भाई यार <laughs> सर और ठीक है? को मालूम था कि ऐसे आगे जब लॉ बने देखो ये सारी चीजें खासदारी लॉ बनने का अधिकार गवर्नमेंट लॉ बना सकती है ये अधिकार किसने दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ओके okay, उन्होंने ये सारा लिखा हुआ है संविधान जहां पर यह बताया गया कि गवर्नमेंट को यह कंट्रोल करना इसके लिए एक्ट बना सकती है ये अधिकार दिए गए उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कभी अच्छा आपको नहीं लिखता है ये ये वाला सीन स्क्रीन पे देखिए एक तो ही रहना चाहिए तो ऐसी दिक्कत आ सकती है डोंट यू थिंक दिस इज लाइक इंटरप्रिटेशन इशू दिस इज कौन सा इशू इंटरप्रिटेशन एमबी क्यूटी है अभी मेरे को बताओ क्या ये लॉ मेकर क्या ऐसा पूरा ही शी हर टाइम डालते रहेगा पागल हो जाएगा वो ओके okay, ये ये इश्यूज है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला अगर कभी भी तुम्हें इंटरप्रिटेशन में इशू आए कभी किस में इशू आए तो उसके लिए एक एक्ट ऑलरेडी है जिसको हम बोलते हैं टी जी सी एक्ट टी जी सी ए क्लॉज एक्ट क्या बोला द जनरल क्लॉज एक्ट मुझे नाम वापस चाहिए लास्ट टाइम इसके अंदर जो जो लिखा होगा ये एप्लीकेबल होगा इसके अंदर इसके अंदर भी एक्ट है ये आपके इंटर का एक्ट है लेकिन अभी एक रेफरेंस मिलेगा आपको कंपनी एक्ट में रेफरेंस मिलेगा लेकिन इसके अंदर टोटल थर्टी सेक्शन है कितने सेक्शन है इंटर में पूरे तीस सेक्शन है आपके लिए समझ में आ रहा है इंटर में कितने सेक्शन है थर्टी आपने कोई इधर सेक्शन नहीं है इसका रेफरेंस है इसका क्या है अब मतलब अगर कोई एक्ट में डाउट आया तो सीधा जज के पास जाने का या, या ये एक्ट में जाने का किसने बोला ये एक्ट में जाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो अब ये एक्ट में अगर आप सेक्शन 11 पढ़ोगे 11 में ऐसा लिखा है जिस जिस एक्ट में ही लिखा है उधर खाली हम ही नहीं मानेंगे ही भी मानेंगे अनलेस अनंटिल अनलेस अनंटिल लॉ मेकर का इंटेंशन क्लियर हो कि उसको खाली किसको लेना है ही को या शी को लेना है जैसे कि बार एग्जांपल नागपुर टेनेंसी एक्ट वाला जो मैंने बोला उसके अंदर खाली क्या इंटरप्रेशन किया जाएगा ही उधर शी नहीं लाया लेकिन जिधर कुछ साइलेंट है जिधर एक्ट का इंटरप्रेशन वैसा नहीं है उधर ही की जगह अब क्वेश्चन है जैसे ये रिपील का है अब मेरे को बताओ एक्ट रिपील हो गया उस एक्ट के अंदर अगर सजा दी गई है अच्छा औ, और एक इमेजिन करो ये एक्ट जो रिपील हो गया रिपील कौन सा एक्ट हुआ अपना अब इमेजिन करो इसने कंपनी खोली थी और इसको सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने सब्सिडी समझ मारा है? सुना है सब्सिडी नहीं सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट ने फेवर किया एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी सामने इसको लेकिन ये कुछ एकदम एक अनोखा पर्सन है इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हम तुम्हारी मदद करेंगे प्रॉपर्टी पांच करोड़ की है दो करोड़ हम देंगे और तीन करोड़ तुम डालो सब्सिडी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को दी जाती है ऐसे बोलते हैं सुना है कभी ये तो मेरे को था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कितने दिए गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट में नाइनटीन फिफ्टी सिक्स दो हजार बारह में दो हजार तेरह हुआ एक्ट रिपील हो गया चल पैसा निकाल दो करोड़ निकाल वापस कितना ब्लंडर हो जाएगा टीजीसीए ने बोला अगर कोई एक्ट रिपील हुआ कान खुले कोई एक्ट उसके अंदर जो सजा दी गई होगी उसके अंदर कुछ सब्सिडी दी होगी उसके अंदर कुछ भी दिया होगा वो सारा का सारा वैसे कैरी के वैसे के वैसे फॉरवर्ड होगा समझ में कुछ आया तो ये सब ऐसे डाउट वाले इश्यूज किधर लिखे होंगे टीजीसीए समझ में आया एवरीबडी नहीं हाँ ना तो मैंने दो इंटरप्रेशन थे जो मैंने अभी क्लियर किए लास्ट हाफ आवर में मेरे को दोनों चीज क्लियर चाहिए मैं जब बोल रहा हूं कंपनी ट्वेंटी थर्टीन एप्लीकेबल टू कंपनी बीन इनकॉर्पोरेटेड अर्लियर इसका इंटरप्रिटेशन जो कंपनी पहले बनी थी उन, उनके लिए हम इस एक्ट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हम इस एक्ट में जो बोला होगा कि आपको ये रिटर्न देना होगा आपको पीएनएल देना होगा बैलेंस देना होगा तो आपको इस एक्ट के हिसाब से देना होगा इसका इंटरप्रेशन का इंटरप्रेशन समझ में आया और अगर मैं आपको कभी पूछू रिपील में जो चला गया है किसमें चला गया है और उस एक्ट में जो भी लिखा होगा क्या वो अभी भी सरवाइव होगा क्या उस एक्ट की कुछ पेनल्टी होगी क्या सरवाइव होगा क्या सरवाइव होने के लिए कौन सा एक्ट टीजीसीए कौन सा एक्ट सिक्स सेवन एट ये तीन सेक्शन काम करते उसके लिए टीजीसीए के ओके okay. टीजीसीए का फुल फॉर्म द जनरल क्लॉज एक्ट नाम देख द जनरल क्लॉज क्लॉज कुछ बोल रहा होगा उसके एक्ट और किसने बोला टीजीसीए पर जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कल अगर लॉ में हमारा डाउट हुआ हम पहले किसके पास जाते हैं कोर्ट तो कोर्ट कौन सा एक्ट पहले देखेगा टीजीसीए और टीजीसीए में कुछ नहीं मिला तो कोर्ट खुद का इंटरप्रेशन चालू करेगा आई आई होप समझ में क्या कुछ मालिक बोल बंटन दो हजार तेरह के एक्ट में से कोई सजा वहीफ होगी जो पुरानी पुरानी थी वही वही होगी अभी एग्जांपल बोल रहा हूँ पुरान में लिखा था पांच साल अभी पांच साल लिखा था नए इसमें क्या है नए इसमें भी पांच साल है तो तुम्हें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है पुराने इसमें पाँच साल है और नए इसमें दस साल है तो तुम्हें दस साल कभी नहीं होगी पांच साल ही रहेगी भाई लेकिन अभी मतलब अपना सिलेबस नहीं है फाउंडेशन में इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन अभी ये सवाल पूछा तो इसलिए एक मिनट बता देता हूं पर इंटर में जाके तुमको मैं पर एक जस्ट एक है अगर पुराने इसमें कितना लिखा है लेकिन वही सदा अगर तीन साल कर दिया है तो कभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अपने को फेवरेट फेवरेटिज्म करना है अपने लोगों के लिए तो पांच साल का अगर सजा हुआ रहेगा पुराने रिपील लॉ में और नए लॉ में एग्जैक्ट वही गुना के लिए तीन साल तो कितने साल की हो जाएगी नहीं है पांच साल नहीं तीन साल हो जाती है वो इंटर में जाके इधर मेरे को जरूरत नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं था पर अभी वो पूछा इसलिए बता दिया ठीक है नॉलेज के लिए क्या फर्क पड़ रहा ओके समझ में आ रहा है कभी भी यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है अपने लोगों को अधिकार देना चाहिए जो उनका है ओके okay, अभी आप कोई इसमें ये भी बोलेगा सर व्हाट इफ पांच साल की सजा थी और अभी एक भी एक भी सजा नहीं है निकाल दी है सजा ये तो इंटर में जाके पढ़ना मेरा दिमाग मत खराब कर इधर जरूरत नहीं है पर मैंने टेक्निकली समझा समझा क्या सबको ठीक है तो अगर अपन रिपील एक्ट का कभी भी बात करेंगे कभी भी बात करूंगा तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा उसके लिए कौन सर्वाइव करेगा टी और वो बोलेगा जो भी उस रिपील एक्ट में सजा दी गई है कैरी फाउंड होगी बस आप इतना फाउंडेशन के लिए इतना रखिए क्लोज करो मालिक ठीक है ठीक है परफेक्ट एवरीबडी क्लियर स्क्रीन पे देखिए एक बार नहीं उसके पास आजू बाजू में भी नहीं है स्क्रीन पे देखिए क्योंकि अभी मेरे को मॉड्यूल से याद नहीं रखना मेरे को खाली कुछ समझाना है मॉड्यूल का रीडिंग में कुछ भी नहीं कर रहा हूं सबका स्क्रीन पे ध्यान एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल किसको किसको है सबसे पहला कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी इंटरप्रिटेशन बताइए अगर कंपनी 2013 में कोई इनकॉर्पोरेट हुई है उसको भी एक्ट एप्लीकेबल होगा और उसके पहले वाले लॉ में कोई इनकॉर्पोरेट हुई है उसको भी ये एक्ट तो मेरे को बताओ अगर 2021 में कोई कंपनी खुली है क्या उसको एक्ट एप्लीकेबल है 1981 में infosys है क्या उसको एक्ट एप्लीकेबल है अच्छा 20 uh, 1920 में कोई कंपनी खुली थी उसको 1956 वाला 1858 वाला एक्ट एप्लीकेबल था क्या उसको भी एप्लीकेबल है यस एवरीबॉडी क्लियर तो पहला पॉइंट आपके लिए क्लैरिटी सेकेंड पढ़ो थर्ड पढ़ो ओके और फोर्थ पढ़ो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट आर विद प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट एंड आई आर डी एक्ट समझ में आया क्या so, मेरा क्वेश्चन है कंपनी बोलो कंपनी दैक्ट इज एप्लीबल टू इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट एक्सेप्ट ओके क्या वेर द प्रोविजन ऑफ सैड एक्ट आर कौन सा सेड एक्ट एक्ट मतलब क्या कंपनी नहीं 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 पढ़ो 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 मैं मैं ये वर्डिंग पे एक बार, एक बार समझ लो सेकंड थर्ड फोर्थ सेम है एक्सेप्ट मतलब एक बार कंपनी अच्छा, सिर्फ इस चैप्टर के लिए इतना आप डिटेल करोगे रीजन सिंपल है क्योंकि ऐसे ही वर्डिंग्स है मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए और अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो रट नहीं पाओगे देखो लात लात तो मैंने आपको पहले दिन भी बता दिया है रटना ही है लेकिन मिठू पेपोट जैसे नहीं रटना है कॉन्सेप्ट के फ्लो में अभी एक बार आपको ये वर्डिंग समझ गए अपने को लिखना अपने हिसाब से पर वो लॉजिक वही आना चाहिए ठीक है पहला पॉइंट क्या बोल रहा है द कंपनी दैट इज टू इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट सेड एक्ट मतलब कंपनी दैट आर इनकसिस्टेंट विथ द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और आई आर डी आई आर डी का फुलफॉर्म इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस रेगुलट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट अगर यह एक्ट में कुछ है और कंपनी दैक्ट में है और कंपनी दैक्ट क्या है इनकंसिस्टेंट तो उस टाइम पे कंपनी दैक्ट अपबल नहीं होगा एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका हमेशा पीएनएल बैलेंस शीट तो मैंने कहा तो पीएनएल बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनाएंगे कंपनी के हिसाब से या आईआरडीए के हिसाब से पक्का कंपनी के हिसाब से नहीं है? ठीक है ओके okay. हाँ हाँ तो, तो मल्टीपल एक्ट एप्लीकेबल होते सबको दोनों अलग अलग है इंश्योरेंस एक्ट एक अलग है और आईआरडीए अलग है पर दोनों एक्ट एप्लीकेबल है एवरीबडी क्लियर ठीक है अगला पॉइंट पढ़ो मेरे को बताओ जा पड़ रहे अपन मगे बैंक क्या बारे बेवड़े हाँ मेरे को बताओ क्या है बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग अरे बोलो रे तुम बोलो 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 बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ समझा गया यानी मेरे को बताओ कौन सर्वाइव करेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट चौथा पॉइंट पढ़ो कंपनीज इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ द द एक्ट आर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट समझ में आया ठीक है अब ये तो तीन अपने को मालूम है तीन नाम कौन से कौन से बोले कंपनी बैंकिंग इंश्योरेंस इसके अलावा और कोई कंपनी ऐसे स्पेशल एक्ट में बनी होगी तो ऐसा हो सकता है ऐसी और कोई कंपनी होगी जो स्पेशल एक्ट में सर कोई ऐसी कंपनी है यूटीआई यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यू एश्योरेंस कंपनी न्यू एश्योरेंस इंडिया कंपनी ये ऐसे उनके खुद के एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हुए ओके okay, तो उनके लिए क्या पांचवा पॉइंट पढ़ो एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट फॉर टाइम बिंग इन फोर्स समझ में आया लेकिन वापस याद रखना उधर अगर कुछ इनकंसिस्टेंट है तो स्पेशल एक्ट चलेगा अदरवाइज कंपनी एवरीबॉडी क्लियर एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सच बॉडी कॉर्पोरेट। आराम से लास्ट लाइन मेरे को इंटरप्रेशन तोड़ चाहिए सच बॉडी कॉर्पोरेट विचार, आर एनी एक्ट एनी एक्ट एनी एक्ट एनी एक्ट फॉर टाइमिंग इन फोर्स एंड एज सी जी मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बीआर मतलब क्या मेरे को इंटरप्रेशन बहुत अच्छे से चाहिए ये वाला क्योंकि अपने को कल के लेक्चर में जैसे ही मैं डेफिनेशन 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 चालू में के definition definition में स्मॉल कंपनी आएंगे प्राइवेट और पब्लिक तो ठीक ही है लेकिन मतलब उसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है पर स्मॉल कंपनी का आएगा ओके सेक्शन एट कंपनी का आएगा ये जब तक इस इस लास्ट लाइन को नहीं समझोगे तब तक नहीं समझेगा मेरे को बताओ क्या लास्ट लाइन का मतलब कौन से यानी कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है टाइम लोअर मेरे को समझाओ बस कंपनी छोड़ दी है स्ट्रटुरी कंपनी आपका मैं आपको बताऊं अच्छा, मैं पॉइंट नंबर लिख देता हूं सबके आत्मा इधर सबके आत्मा इधर है वन टू थ्री फोर फाइव स्टैटरी लॉ जो भी रहेगा वो पांचवे में खत्म हो गया छठा कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है छठा कॉन्सेप्ट क्या है छठा कॉन्सेप्ट क्या, है? क्या है, मालिक बोल ओके okay, सारी कंपनी आएगी इनकॉर्पोरेट हुई है नहीं पर नोटिफाइड उसका इंटरप्रेशन क्या है इंटरप्रेशन क्या है ठीक है तेरा एनएचएफ है वो सबके मैं ले सकता उसको नहीं ऐसा नहीं है नियर अबाउट ऑके आप समझवेश करो मेरा पहला क्वेश्चन है पहले फ्रीज कर लो पहले फ्रीज कर लो ये पांच पॉइंट ये पांच आपको याद रखना है ये कंफर्म है इनको एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेबल दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि ये पांच पांच चीजें चीजें पार्लियामेंट में हाँ करी गई है छठी चीज पार्लियामेंट में ऐसा बोला गया है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इनको एप्लीकेबल होना चाहिए और वो कुछ किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड है एग्जाम्पल प्रोप्राइटरशिप ओके अच्छा पार्टनरशिप चलो पार्टनरशिप लेते हैं जो आपको मालूम है पार्टनरशिप फॉर्म ओके क्या पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होती है तो मेरा क्वेश्चन है क्या पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनीबल है पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है मैं आपसे पूछ रहा हूं पक्का आवाज चाहिए आपने बोला आवाज हाँ। ठीक है तो ना भाई भाई साहब मतलब अपने को ऐसा बहुत जरूरी है वो को, मेरे को बताओ अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो कौन सा एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट ओके उनको तो कंपनी एक्ट नहीं है लेकिन मोदी जी बोलते हैं नहीं नहीं भाई पार्टनरशिप उनको मोदी जी फिर वो किस में डाल सकते हैं रूल्स में और मोदी जी नोटिफाई करेंगे अब ये नोटिफाई किधर करेंगे मेरे को बताओ अच्छा मैं जब मोदी जी बोल रहा हूं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है अभी अपन हर जगह वोट करते हुए मोदी जी सोच रहे हैं पर लेकिन लॉजिकली सेंट्रल गवर्नमेंट वी आर डिस्कसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन पावर भारत मान लिया तो लास्ट लाइन पढ़ो वापस अभी सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट किसी और एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है फॉर टाइमिंग इन फोर्स एंड एंड बुला है एज मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है इसको एप्लीकेबल

दूसरा एमओए तीसरा एओए और चौथा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये चार डिवीजन करो आपका कंपनी तक खत्म है और उसके पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन है कंपनी है अलग पर्सन होती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके डिस्कशन है ठीक है वो अलग एक डायरेक्ट आंसर है क्वेश्चन है पर ये चार मेन कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन किस पे इन दोनों में से एक और इसमें कन्फर्म ंड्रेड एंड वन परसेंट मतलब आपको तीन क्वेश्चन मिनिमम ऐसे आएंगे चौथा किस में से आएगा तुम्हारा नसीब ऐसा हो सकता है दो डेफिनेशन में जाए लास्ट का है। पेपर दिखा मतलब अपन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तब दिखाता तो आप देखो तो मेक श्योर sure, ये श्योर sure शॉट है तो आप इस चीज को एकदम क्लियर रखना कि कैसे कवर अप करना है तो पहला पॉइंट अपना क्या है डेफिनेशन जिसमें बहुत बार ये लाइन मिलेगी आपको क्या ये लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एवरीडी क्लियर ठीक है बढ़िया तो मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है मालिक तो मेरे को खाली okay. किसको किसको वर्ड लेंगे अपन अभी रिपीट में पूरा रिपीट नहीं करते जाएंगे खाली किसको किसको कंपनी इतना बोलते कंपनी दिस एक्ट अर्लियर एक्ट कंपनी दिस एक्ट अर्लियर एक्ट बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल एक्ट क्या बोला मैंने स्पेशल एक्ट एंड सीजी नोटिफाइड सीजी नोटिफाइड कंपनी एक्ट एप्लीकेबल किसको किस पे कंपनीज दिस एक्ट अर्लियर है बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल एक्ट सीजी नोटिफाइड भारत में देखिए जेब मालिक एवरीबडी मैं बोल लो और ये दे, देखो जब मैं बोल रहा हूं बैंकिंग इंश्योरेंस एंड इन तीन में क्या याद रखना आपको एक्सेप्शन क्या है अगर इनकंसिस्टेंसी है तो यह एक्ट अपलिकेबल नहीं है फिर उनका खुद का एक्ट अप्लीकेबल है ओके अभी आपका कोई सवाल बोलेगा कि सर ये मेरे को सब ये ईयर याद रखना है क्या देखो तो याद रहे तो ठीक है नहीं तो एकदम सिंपल है उसका नाम लिख देने का खत्म करने का क्योंकि ये बेसिक आंसर है ठीक है तो ज्यादा इसमें हेडेक मत करना जिधर याद रखना मैं बोलूंगा ये हंड्रेड परसेंट याद रखना है बाकी हज़ार है ना हेडेक छोड़िए ठीक है, है।, है। इधर तक क्लियर मालिक ठीक है सबसे पहले सबके हाथ सबके आत्मा स्क्रीन पे चेंज कर रहे हैं ओके okay. और मेरे को बताओ अगर कोई एम्बिगटी आई कुछ इशू आया तो कौन सा एक्ट आएगा टीजीसीए और टीजीसीए लाने के लिए किसने दिया अपने को अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है मेरे ख्याल से बैकग्राउंड क्लियर है सबको ठीक है सबके आत्मा को पहले अपन बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ओपीसी एकदम आराम से वापस मैं मॉड्यूल से नहीं जा रहा हूं कल से मॉड्यूल लानी है मेरे को मॉड्यूल लग जाएगी मतलब मॉड्यूल का पॉइंट लग जाएगा ठीक है और स्ट्रक्चर वाइज जिसके जिसके पास किसी ने कुछ ऑर्डर दिया होगा या कुछ ऐसा होगा ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है तब तक अपन आप सॉफ्ट कॉपी बेस यूज करिए और अपने नोटबुक बनाइए नोटबुक में आपको मैं इसका समरी बनाते जाऊंगा वो समरी बनाते रखिए हाँ जिसके जिसके पास है पुरानी अगर है तो पुरानी कंपनी तक में वो कोई चेंज नहीं है एक्स्ट्रॉर्डनरी पुरानी का बेस तो यूज़ ही रख सकते हो और जिसके पास कुछ भी नहीं है कोई टेंशन नहीं है आराम से है okay, के तो मेरे भाई और बहनों 2024 में एग्जाम देनी है याद रखना है ना हम्म कोई ऐसा किसी का एजेंट आया क्या 2025 हजार नहीं बड़े अरे नहीं कर रहा तो हक से बोल मां कसम 2025 सर जो खड़ना कर लो बड़े जो नहीं ओके okay, नहीं करो कोई अरे को, रिलैक्स रहो और मैं वापस बोल रहा हूँ अपन एकदम मैं एक चीज़ वापस मैं समझा दूँ एकदम के हाँ यू आई एम यू मतलब वो ऐसा मजाक जो के रहता है मेरा पर बुरा मत मानना किधर किसी को बुरा लग रहा है तो मेरे को बताना तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं कुछ चेंज करूंगा मैं तुमको ये बोलूंगा कि मैं थोड़ा कान बंद कर दो <laughs> पर ऐसा और मेरे ऐसे मेरे जोक्स घरेलू होते ओके okay, जैसे पापा मम्मी सब सुन सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि भाई है तो नहीं पूरी सच्चाई है अरे भाई यार तू तो कोई भी बंदा किधर से भी निकल भाई यार अरे आराम से अरे तू तो मेरे घर पे आएगा ना मैं सही मै ऐसे ही बात करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बेटी ऐसे ही बात करे मेरा बेटा तो हो गया मैच्योर्ड मतलब चार साल का पाँच साल का तो वो ढल गया इसमें क्योंकि चार पाँच साल वाला ढल सकता है ना मेरी बेटी तेरह साल की होगी तो वो अलग हो गई छोटी थी तब तक सुनती थी मेरा और ऐसे ही बात करती थी okay, हाँ लिटरली मतलब आई स्टिल रिमेंबर वन स्कूल डेज मतलब वेयर इट वॉज समथिंग अराउंड मेरे ख्याल से ट्वेंटी सिक्सटीन ट्वेंटी सेवनटीन की बात है एंड शी वॉज इन सीनियर के जी मतलब फर्स्ट का पहले वाला तो मैं मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा मेरे को उल्टा याद आता है फर्स्ट के पहले वाला मतलब अगले साल फर्स्ट में जाने वाली थी और मुंबई में मैंने उसको आई जी बोर्ड के इसमें डाला था स्कूल में बॉम्बे कैम्ब्रिज मुंबई की मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे घर के बाजू में नजदीक में रहे वैसा तो आई जी बोर्ड में डाला हुआ था एंड uh, ऐसा था एंड आई यूज टू ट्रैवल ए लॉट अर्लियर ट्रेवल ए लॉट मतलब मैं ऐसा स्टेबल पर्सन नहीं था जो मेरे को अगर आप मेरे को ऐसे मिल रहे हो तो अगर आप मेरी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखोगे तो मैं मैक्सिमम टाइम ट्रेवल करता था मैक्सिमम टाइम मतलब मालूम है मुंबई पुणे इंदौर हैदराबाद नासिक विशाखापट्टनम विजयवाड़ा जोधपुर जयपुर नाइन सिटीज पूरे साल हाँ प्रैक्टिस करनी मैं सबसे पहले uh, मेरी हिस्ट्री है कभी देखेंगे कभी डिस्कस करेंगे मैं खाली बस ये पॉइंट मेरे को जोक याद आई इसलिए मैं जोक बता रहा हूँ मेरे तो फिर कहानी निकल गई तो दो घंटा इसमें ही निकलेगा पर ऐसा था कि आई मतलब उस टाइम पे मेरी हैदराबाद में चल रही थी एंड वन फाइन डे और मैं लिटरली बोल रहा हूँ ये पहली बार है मेरे लाइफ में लास्ट एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ विनोद प्रशांत सर अदरवाइज तो मेरे जिंदगी में कभी ऐसा था नहीं मेरे को तो चेंज करने में मतलब ये मतलब मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ मैं लेने जा रहा हूँ मैं उसके टीचर जानती है अरे हाँ भाई इसका पप्पा ये है नहीं तो टीचर जानती हूँ महा तो रितिका की जो मुंबई की स्कूल है वेन आई टिल मुंबई आई यू शू ट्रैवल अलॉट मेरे मैं कभी बहुत रेयरली मतलब बोलते हैं ना वो ऐसे पी मीटिंग में भी कभी नहीं गया वो सिर्फ वो जाती थी वो खाली एक हाथ बार लाने वाने गया मैं कभी फ्री रहा था उधर रहा क्योंकि मैं अगर इतने सिटी ट्रैवल करता था और बैचेस लेता था और मैं तब इसका पढ़ाता था इसका और आई तो देर वॉज ए ओल्ड सब्जेक्ट्स तो वो जब पढ़ाता था तो वो ट्वेंटी डेज़ की बैच होती थी इसीलिए मेरी इतनी सिटीज़ पॉसिबल थी तो मैं ज़्यादा था ट्रैवल करता था एंड आई यू ट्रैवल अलॉट मतलब मेरा कैरियर टीचिंग स्टार्टेड विद फाउंडेशन इंटर फिर मैं हिट हुआ फाइनल थे मतलब ऐसा करके फ्लो हुआ मेरे लाइफ का तो आई स्टिल रिम्बर मैं हैदराबाद में बैच चल रही थी और मनाली का रात को मैसेज मतलब फ़ोन आया और उस टाइम भी व्हाट्सअप व्हाट्सअप इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते एम डिस्कसिंग 2016 ये व्हाट्सअप तो अपना कोविड वर्ड के बाद तो व्हाट्सअप ही जिंदगी है तो उसके पहले मतलब ऐसा फ़ोन आया और उसने यही बोला कि भाई तेरे को कल आना है मुंबई में और स्कूल में रितिका की टीचर ने बुलाया बोला हुआ क्या एंड इट वॉज समथिंग अराउंड सप्टेम्बर अक्टूबर ट्वेंटी एंड आई डो थिंक मेरे ख्याल से गणपति चतुर्थी के बाद की बात थी गणेश चतुर्थी और हमारे घर पे गणपति लेके आते हैं मुंबई में तो घर पे गणपति होती है आरती होती है दस दिन हमारी मतलब सुबह शाम और पूरा चिल्लम चिल्ली सब हम मतलब वो समझ रहा है बिना धारो वो कुछ नहीं रहता हमारे मतलब हमारी चिल्लम चिल्ली मतलब घरगुती चिल्लम चिल्ली मतलब वैसा वो फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ओके बीस इक्कीस इक्कीस बाईस तीस चौबीस हम तो किधर भी लेके जाते हैं गणपति प्पा आ जाते हैं नंबर्स में तो तो मनाली को बोला बोला मैं बुला, मेरे को क्यों बुला रही है तू यार बोले वो, वो कैलेंडर में लिख के आया है कि प्रिंसिपल वांट्स टू मीट बोथ द पेरेंट्स तो मैं बोला किया क्या रितिका ने तो पता नहीं बोले बुला, बुलाया तो मैं बोला उसको फोन दे तो मैं रितिका को पूछ रहा हूँ क्या क्या तूने किया क्या, क्या? तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं पप्पा मैं तुमको बता रहा हूँ मतलब मेरी तोड़ फटी पड़ी थी मतलब मेरे सीए रिजल्ट के टाइम पे जितनी फटी नहीं थी ना मेरे उस टाइम पे फट रही थी मेरी ये फट रही थी कि अगर व्हाट इफ टीचर ने बोल दिया स्कूल से निकाल दो बेटी को अरे बहुत सारा दिमाग में चल रहा था अरे तो क्यों बुलाया कि मेरे को क्यों बुलाया मतलब ऐसा ऐसा चल रहा था क्या है क्यों बुलाया ये सब समझ में नहीं आ रहा था रात को तो मैंने और एक दो स्कूल का बंदोबस्त कर लिया रेफरेंस लगा के मैं बोला जो भी रहेगा बाई चांस कल निकाल दिया तो अरे अपने को स्कूल चाहिए ना घर पे किधर तो मैंने रात को ये किया रात को टाइम पे एस एमएस जाते थे व्हाट्सअप ने एस एमएस भेजे सबको कि कल क्लास नहीं है हैदराबाद का बैच और उधर आठ आठ घंटे के बैच होते थे क्योंकि मैं जिधर जाता था और उधर फैमिली नहीं तो उधर पूरा दिन क्लास में ही लो देर वॉज नथिंग टू बी डन तो मैं क्लास में था तो मैसेज डाल दिया और मैं सुबह की फ्लाइट थी मैं कुछ मुंबई एक आठ बजे आठ साढ़े आठ बजे तक पहुंचा घर पे बजा रीतिको को कम से कम पचास बार पूछा क्या हुआ बोले कुछ नहीं पापा कुछ नहीं पापा कुछ नहीं पापा कुछ नहीं पापा फिर भी मैं बोला डरा मतलब बोलते ना सहमा हुआ क्या एंगज हाँ बहुत बहुत एकदम ऐसे ही हो रहा था फिर भी मैं चल जाने दे क्या डरने का आपने पास दो तीन स्कूल के ऑप्शन आ गए मतलब एक लेडी मिशन जी स्कूल थी और एक आ, पुद्दार करके थी वो वो दो तीन ऑप्शन मैंने रात को बात करके रखे थे गए स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में गए मैं और मैं इधर बैठा मनाली इधर बैठी एंड लिटरली मतलब आप आप इमेजिन करो एंड आई एम मतलब तुरंत मतलब आई एम जस्ट ऑन माय वर्क मतलब मैं बता रहा हूँ मतलब इमेजिन करो वो टाइम का और क्या होगा और मैं बहुत मैं बहुत हाई पंटू आदमी हाई पंटू मतलब हाँ ये ये कर लेंगे वो कर लेंगे वो तुम चार लेक्चर में तो समझ समझिए तुम तो भाई भाई इसमें तो समझ ही गए हो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे माँ कसम कर लेंगे तो प्रिंसिपल आई बोले यू आर रितिकाजैड तो बोले सीन यू इन अब ऐसा अब बोला फिर मैं बोला मतलब, तो, उसने मतलब, प्रिंसिपल ने तो क्या पढ़ाते आप और किधर किधर ट्रैवल करते हो अब ऐसा किसी ने पूछा <laughs> मैं बोला वहां कैसा मैं बोला आई टीच सी ए कोर्सेज एंड आई ट्रेवल टू मुंबई पुणे हैदराबाद इंदौर नासिक विशाखापट्टनम ऐसा समझ रहा हवा हवा करने का

बोले बीच में से बोले एक दो तीन चार गणपति बंद कर रही है एंड शी इज यूजिंग द वर्ड कसम आई विल डू दिस मतलब दो सेकेंड मेरे को समझा नहीं क्या करूं मनाली ने बोला ही टीचे लाइक दिस मैं दो सेकंड रहा तो वो बोले यू टीच लाइक दिस बोले दिस इज नॉट अवर कल्चर दिस इज नॉट दिस थिंग मैं मन में वो बड़बड़ करती जा रही है मैं मन में सोचा मेरी बेटी

होता है बट आई स्टिल रिम्बर तो अभी थोड़ा आदि है वैसा आदि क्या चल लेता okay, है घर पे जैसे okay, बापो क्या कर रहे पपड़ी अरे ऐसा फील होता है तो तथ्य तो क्या था तथ्य ये था कि मेरी लैंग्वेज जिंदगी में चेंज नहीं होने वाली है। तो तथ्य ये था लॉजिक ये है कॉन्सेप्ट ध्यान रखना अपन तीन तरह की कंपनी की बात कर रहे हैं एक है प्राइवेट कंपनी एक है पब्लिक कंपनी एक है प्राइवेट कंपनी में अभी मैं ऑपन बोल रहा हूं मैं डेफिनेशन से ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट पे हूं और ये कॉन्सेप्ट आप जितना अच्छे से करोगे मेरे कल के डेफिनेशन और इजीली होंगे कल के इसमें अपन इस पर टाइम नहीं डालेंगे वापस तो आज इस कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं सारे पहला प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें कम से कम दो मेंबर्स होते हैं कितने मेंबर्स बेटा दो मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं कितने मेंबर होते हैं तो को में कम से कम मैक्सिमम 200 मैक्सिमम सर सो मैक्म मेंबर्स मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स दे कैन बी प्रमोटर प्रमोटर इज मैक्सिमम टू और मैक्स मिनिमम टू मैक्सिमम उसके ऊपर नहीं हो सकते पहला पॉइंट क्लियर ठीक है दूसरा ओके okay, दूसरा सुन ले मेरी बात एकदम अच्छे थे ओकेज okay, प्राइवेट कंपनी के एओए एओए का फुल फॉर्म होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे कंपनी चलती है उसके अंदर देर विल बी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर विल क्या बोला मैंने रेस्ट्रिक्शन ऑन वॉट ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ शेयर एग्जाम्पल एक्सपर्ट

लेकिन तीन मेंबर है कल मेरे को बताओ तीन में से अगर एक छोड़ना चाहता है क्या छोड़ सकता है क्या उसके बाद भी कंपनी चल सकती है कितने मेंबर में दो दो, दो मिनिमम चाहिए तो सपोज कल प्रशांत सर बोलते हैं मेरा शेयर्स मैं बेचना चाहता हूं एज्यूम करते हैं सर तीनों के पास कितने शेयर एक लाख शेयर है कितने शेयर एक लाख एक लाख शेयर मतलब ऑल टूगेदर उनके पास एक लाख रुपए के शेयर एक लाख एक रुपए का एक शेयर और कितने शेयर प्रशांत सर बोल रहे मेरे को छोड़ना है मेरे को मेंबर नहीं रहना है मैं काम नहीं छोड़ रहा हूं पर मेरे को मेंबर नहीं रहना है कंपनी का तो अब प्रशांत सर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं अमित ये एक लाख रुपए के शेयर्स खरीदता क्या मैं बोला ओके चलेगा और मैंने खरीद लिया कल विनोद सर और सुशील सर उठ के मुझे मेंबर बनने से रोक सकते हैं क्योंकि आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन ऐसा फ्रीली आप शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकते शेयर ओके okay, एक डॉक्यूमेंट होगा अभी आज के डेट में तो सब वर्चुअली है लेकिन ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है कौन सी कंपनी में प्राइवेट कंपनी में तो चलो कल प्रशांत सर आए प्रशांत सर इसके बाद आए बोला तू ये ले ले एक लाख रुपए शेयर ओके okay, ये ले भी लेता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा मतलब वो माना नहीं जाएगा ये मेंबर तो सर उसमें क्या लिखा होगा ऐसे आर्टिकल में आर्टिकल में लिखा होगा कि अगर प्रशांत सर को या विनोद सर को या सुशील सर को किसी को भी शेयर बेचना है तो दूसरे बचे हुए दो मेंबर से पूछना पड़ेगा और जो नया मेंबर आएगा वो सीए ही होना चाहिए या वो टीचर ही होना चाहिए या वो सीए प्लस टीचर वो लिखा होगा किसके अंदर लिखा होगा ये, ये हो है रूल्स में किस में रूल्स में मेरे ख्याल मालिक समझ में मा आ रहे होनाएंगे एमओ ए दो चीज है दो, दो डॉक्यूमेंट बताओ मेरे को नाम एमओए का फॉर्म का फुल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक मिनट ये देखिए. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेनली मेमोरेंडम आर्टिकल ये दो डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं सर मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है मेमोरेंडम में कंपनी की हिस्ट्री होती है कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है वो लिखा होता है मेनलीके कल देखेंगे परफेक्ट नेम रहेगा कैपिटल रहेगा वो काम क्या करेगी ऑब्जेक्ट क्या करेगी वो लिखा होगा भारत माता की के मालिक आवाज नहीं आ रही ठीक है ओके, है, okay. तो अपन शेयर नहीं बेच सकते ऐसा अच्छा, नहीं, नहीं डाला हुआ शेयर तो कुछ किस होगी तो कंडीशन फुलफिल करो शेयर बेच दो कौनसी कंपनी की बात बताई मैंने प्राइवेट ओके क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर फिर फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या नहीं है ओके ट्रांसफरेबल नहीं है फ्रीली एओए में रेस्ट्रिक्शन होंगे बस ये इतना याद रखिए बाकी और फिल्टर कल करते जाएंगे अभी के लिए तो मैं जब भी बोलू प्राइवेट कंपनी तो मेरे को बताइए प्राइवेट कंपनी आती है तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए मेंबर्स मिनिमम टू मैक्सिमम टू हंड्रेड एओ ए विल पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन मुझे प्राइवेट कंपनी बोलते ही तुम्हारे दिमाग में Minimum maximum. ये क्या है? क्लियर? Okay. और कल जब ये डिस्कस करेंगे कल कल जब मैं लेके जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे मैं और मेरी वाइफ हम एक शेयर होल्ड कर रहे हैं ज्वाइंट नेम से क्या नेम से हो सकता है ना मैं और मेरी वाइफ के नाम पे एक शेयर है कितने मेंबर हुए एक, एक या दो क्यों अच्छा मतलब आपका कहना है मेंबर शेयर के बेसिस पे होगा तो मेरे को बताओ मेरे नाम पे चालीस शेयर है और मेरी वाइफ के नाम पे पचास शेयर है तो क्या नब्बे मेंबर हो गए तो मेरा क्वेश्चन है एक ही शेयर है हम दोनों के नाम पे तो दो मेंबर हो गए ना ज्वाइंट ही है मैं ज्वाइंट ही बोल रहा हूं तो एक ही मेंबर क्या हम दोनों के <laughs> मैं कसम भाई क्या मजा क्या क्या है उसके साथ शादी होने के बाद अपना एक चैलेंज होता भाई हाँ भाई बहुत सुनना पड़ता पूरा बचपन से लेकर आज तक सला मम्मी पापा का ओके ओके किया है और जब से कॉलेज गया तब से सुना तक नहीं होगा आज तू बता एक दिन बिना उसका सुने उसका मतलब मेरे बच्चों की माँ हाँ ये तो मैडम है मैडम है बड़े रोल प्ले करते बहुत तोड़ रोल है भाई ठीक है तो जॉइंट में आप उसको एक्चुअली उसको एक दे दो और मेरे को कुछ भी मत दो तो एक ही ट्रीट करोगे के दो ट्रीट करोगे कितने जन बोलते हैं दो ट्रीट करेंगे जॉइंट नेम है ज्वाइंट नेम एक शेर है और दो दो जन है। तो मेरे को बताओ टू हंड्रेड में से माइनस कितना करेंगे अपन एक ही माइनस करेंगे क्या दो भाई दो वाला नहीं है ऐसा कैसा है? किसने बोला ये ऐसे ही मन में सर ऐसा लगा मैंने आपको क्या बोला लॉ में कभी भी कुछ लिखा होना चाहिए तो ही ये डिस्कशन आएगा तुम्हारे इमोशन को क्या लगता है इससे लेना देना ये मैं क्लियर कर चुका हूं तो लॉ ने लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है जब भी आप दो को कैलकुलेट करोगे अगर कोई ज्वाइंट नेम वाला है तो उसको कितना ट्रीट करोगे ए कोई एम्प्लॉय कंपनी का एम्प्लॉई और वो मेंबर है तो उसको क्या ट्रीट करोगे ये सब कल डिस्कस करेंगे समझ में आया तो कल डिस्कशन प्राइवेट कंपनी का होगा तो इन 200 के कैलकुलेशन के ऊपर होगा जिप ये 200 का कैलकुलेशन कैसे होगा उसके ऊपर करेंगे मालिक तो प्राइवेट कंपनी आते ही दिमाग में चार पॉइंट बताओ फटाफट मिनिमम टू आर्टिकल विल पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड शेयर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफर दोनों का इंटरप्रेशन एक ही है लेकिन अपने को दो पॉइंट अलग से याद रखना है क्लियर ठीक है पब्लिक कंपनी में मिनिमम मिनिमम सेवन मैक्सिमम नो लिमिट क्लियर अब क्वेश्चन है अगर पब्लिक कंपनी का कोई शेयर्स है क्या वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, yes. है हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड कौन सी कंपनी एच यूएल एच यूएल कंपनी का एक लेते हैं शेयर मेरे पास एक शेयर है अगर मुझे वो शेयर इसको बेचना है तो मुझे कंपनी को पूछने की जरूरत नहीं है कुछ समझ में आ रहा है ठीक है एक थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स से नॉलेज परपज वाला पॉइंट है इमेजिन करो ये एक शेयर है मेरे पास है का इसमें लिखा है हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड एक रुपए का शेयर एक शेयर और मैंने जब ये शेयर खरीदा था ये था अप्रोक्सीमेटली पांच रुपए का, का। कितने का था अभी डिमांड सप्लाई की बात है उसको अभी हेडेक मत करिए ठीक है एक शेयर है मैंने एक शेयर वैसे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू मतलब इस पे लिखा कितना है एक रुपया मार्केट वैल्यू कितनी है पांच सौ मार्केट वैल्यू डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई मेरे पास ये शेयर है जो मैं पांच सौ में बेच रहा हूं पर फेस वैल्यू कितनी है एक ये याद रखना ओके okay, मैंने इसको बोला खरीदता क्या तो ये मतलब ये पूछा मेरे को बेचता क्या मैं बोला कितने मिलेगा ये बोला हजार रुपए में ओके okay, मैं बोला ठीक है देने को रेडी हूं मैं बोला नहीं तो ये भाव बढ़ाएगा ये कितना बोलेगा फिर दो हजार इतना जल्दी दो हजार पे नहीं आएगा हजार से ग्यारह सो बारह सो बोलेगा मेरा अभी तक लिमिट नहीं आया मैं बोला पंद्रह सो फिर ये आएगा तेरह सौ पे फिर मैं चौदह सौ पचास रुपये समझ में आया फिर चौदह पे ट्रेड हुआ ये ये होता है शेयर मार्केट ये होता है शेयर मार्केट जिसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है कंपनी के शेयर बिकते खरीदते हैं अच्छा सब्जी मंडी में क्या खरीदते बिकते हो सब्जी है उसी तरह इधर शेयर खरीदते हैं बस दिक्कत एक ही बात की है सपोज ये मेरे पास शेयर है ठीक है मैं अभी रस्ते से जा रहा हूँ गाड़ी में जा रहा हूँ गाड़ी में अचानक मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी पर मेरे गाड़ी में शेयर पड़ा था पैसे नहीं थे शेयर पड़ा था गाड़ी में तो तो भाई भक्स शेयर था और रस्ते में मेरे को ये मिल गया मैं बोला कितने में लेता हूँ मेरे को पैसे चाहिए वो बोला भाई हज़ार ग्यारह सौ मैं बोला भाई नहीं यार पंद्रह सौ बोला नहीं देने मेरे को खरीदना ही नहीं तो फिर मैं पंद्रह सौ से कम में आऊंगा ही ना क्योंकि डिमांड सप्लाई है तो मेरे को बेचने का ज़्यादा है ओके okay, so तो इसका सप्लाई ज़्यादा है डिमांड नहीं ये बोला मैं बोला ले लिया इसने रस्ते में लिया अब ये रस्ते में ले लिया ओके okay, अब इमेजिन करो इसने मुझे पैसे दे दिए और मैं बोला इसको कल शेयर में कल दूंगा तेरे को ठीक है पैसे दे दिए ट्रेड हो गया हमारा हो गया कल आया ये मेरे पास कल बोला शेयर दो मैं बोला नहीं देता जो उखड़ना उखड़ ले मैं बोला ये किधर भी कुछ नहीं कर सकता कोर्ट में भी उखाड़ नहीं सकता शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन सिर्फ शेयर मार्केट में हुआ तो ही वैलिड है नहीं तो ट्रांजेक्शन एनफोर्स ही नहीं कर सकते यानी ये ट्रांजेक्शन आप खुद अपनी मर्जी से रस्ते में चाहे रस्ते का माल सस्ते में रस्ते का माल सस्ते में नहीं होता ये ट्रांजेक्शन ब्रोकर के थ्रू ही होता है जो ऑथोराइज एजेंट्स होते हैं खरीदने और बेचने के लिए तो अगर कल तुम्हारे पास शेयर है सपोज मेरे पास शेयर है मैं रस्ते में किसी को भी बेच सकता हूं क्या नहीं मेरे को अगर देखो बेच नहीं सकता ऐसा नहीं है बेचा तो भी है आज के डेट में फिजिकल कॉपी पकड़ लो मैं बेचा तो ठीक है सुनो मेरी बात बेचा तो ठीक है लेकिन केस नहीं हो सकता सपोज मैंने इसको बेच दिया शेयर बेच दिया ले ले भाई शेयर ले ले अब मेरे को पैसे दे ये बोले नहीं देता शेयर लेके भाग गया क्या मैं इसके ऊपर केस कर सकता हूं नहीं, नहीं। लेकिन अगर यही मार्केट ये ब्रोकर है ये इसका भी ब्रोकर है मेरा भी ब्रोकर है ये बोला तेरे को कितना बेचना है बोला ये शेयर बेचना है वो बोला खरीदना क्या ये ये ब्रोकर है और ये ब्रोकर कौन है ऑथराइज अब क्वेश्चन है ये authorize किस में है? कौन से एक्ट में इसको ऑथराइजेशन मिलता है नहीं, रेगुलेट गिव पांच साल की सजा सेबी क्या करता है like रेगुलेट तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो चलो चलो और ये ऐसा ऐसा नहीं गलत है ये मेरे को डॉक्यूमेंट दो ये सभी करता है लेकिन और एक एक्ट होता है जिसका नाम है सेकरा क्या नाम है एस सी आर कसम कितने एक्ट एक्ट के नाम आ रहे हैं आए आएंगे रे भाई भाई ऐसे सब है लॉ ऐसा मजाक छोड़ना है पर आपको सबके डिटेल्ड वर्जन नहीं मेरे को बताओ मैंने आपको डे वन पे बताया एक ही एक्ट है जो पूरी मतलब तीन एटम तीन आटेम मतलब एक फाउंडेशन इंटर फाइनल उसको मिला के मैं तीन बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ये तीन मिला के एक ही एक्ट है जो पूरा एप्लीकेबल है एक्ट बाकी कोई भी एक्ट एप्लीकेबल पूरा नहीं है सैकड़ा के कुछ सेक्शंस होंगे आपको फाइनल में सेकरा का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट समझ में आया सिक्योरिटी नाम बताओ वापस कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट मैं वापस बोल रहा हूँ मैं भगवान के लिए नाम नहीं ले रहा हूं मैं मैं तुम्हारे लिए ले लेक ने अपने सिलेबस है फाउंडेशन गई है फाउंडेशन है एक्ट नहीं है पर एक्ट का नाम है मैं क्या करूं अभी करना पड़ेगा ना ट्रैक का नाम कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जीपा मालिक तो मेरे को बताओ अपने इंडिया में ये शेयर खरीदने बेचने का काम कहा होता है कौन सा मार्केट नाम शेयर मार्केट के नाम सुने क्या कौन से एनएससी बी एस सी सुना ओके okay, अब मेरे को बताओ एनएससी बी एस सी ये शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है से भी नहीं सेक। तो कल अगर मेरे को इस प्रत्येक पॉइंट पे पुणे स्टॉक एक्सचेंज खोलना है समझ में आया कौन सा स्टॉक एक्सचेंज किसके पास जाना पड़ेगा सेकरा सेकरा में मुझे लाइसेंस मिलेगा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ओके okay करता फिर आ जाओ धंधा चलेगा इधर अब इमेजिन करो जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना कमीशन मेरा निकलेगा सुन रहे जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना कमीशन मेरा मेरा इंटरेस्ट क्या है अच्छा स्टॉक एक्सचेंज किसमें कमाता है कमीशन ब्रोकरेज उनका क्या भाई वो तो खरीदते बेचते सामने सामने उनका कमीशन पे एक्सचेंज चल रहा है अरे अच्छा कभी आपने न्यूज़ में देखा बीएससी एएससी एनएससी कैसी दिखती है बीएससी एनएससी नहीं देखा है बीएससी एनएससी एनएससी बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखती है भाई एनएससी स्टॉक एनएससी का फुल फर्म? नो इंटरनेट भंगार साला यार ये क्या है यार मर जाएगा ये हॉटस्पॉट में हॉटस्पॉट क्या बोला कितना अभी नो इंटरवेंट बता रहा देव को ये देख ये देख, या देख। ये एन ए सी की बिल्डिंग है ये बिल्डिंग का पैसा कैसा है ये बिल्डिंग सब्जी मंडी है बस सब्जी की जगह शेयर मंडी समझ में आ रहा है अब क्वेश्चन ये अरे सेम है वेजिटेबल मार्केट होता है वो मार्केट है जहां पर ट्रेडिंग हो रही है बस इतना है कि अभी फिजिकली जाते नहीं है क्योंकि अपने को फिजिकली शेयर नहीं है आ, आप अगर देखोगे ये पहले कैसा होता था तो मानो में अगर मेरे पास शेयर होते थे ये लेके मेरे को उस मार्केट में जाना पड़ता था अब imagine, 20 साल पहले की कहानी जब मनमोहन सिंह जी आए उस मनमोहन सिंह जी ने नेशनलाइजेशन लाया है फाइनेंस मिनिस्टर ही ब्रॉड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी वे एफ डी आई स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट ऑटोमेशन स्टार्टेड उसके बाद ये स्टॉक मार्केट डीमेट फॉर्म में हो गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अदरवाइज ये तो अपने को शेयर सर्टिफिकेट मिलता था अगर मैं मतलब मेरा जब बर्थ हुआ

ओके okay, रिचुअल बेचने वाला है क्या कोई नौस वाला सो वाला, नौस वाला। इस तरह से ये था और इसको क्या मिलता था अंबानी ने जो ये काम किया धीरू भाई अंबानी की वजह से तो हुआ उसके बाद पहले ऐसा ही होता था मैं देखो मूवी क्लिप निकाला तो निकालता मैं एक दो दिन बता बताता मैं आपको ऐसे एजेंट खड़े होते हैं और ये बेचा बेची होती थी दिस इज द कॉन्सेप्ट वर्क्स आज के डेट में आप इमेजिन करो तुम इधर बैठ के मैं उधर शेर बीच रो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन अब जो उधर बैठा हुआ बंदा है इधर ऑफिस में तो कोई तो बैठा होगा ना तो क्वेश्चन है ये ऑफिस का खर्चा लाइट बिल कोई गवर्नमेंट देती क्या कौन देता अपने में से कमीशन आत्मा क्लियर तो ये सब चलाने वाला कौन सा एक्ट कंपनीज एक्ट नहीं कंपनी को चलाने वाला कंपनीज एक्ट देख अच्छा कंपनीज एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल आंसर चाहिए मेरे को कंपनी एग्जिस्टिंग और ओल्ड स्पेशल और सीजी नोटिफाइड कहीं पर भी लिखा था स्टॉक एक्सचेंज तो स्टॉक एक्सचेंज को एक्ट ही नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज को कंपनीबल ही नहीं कर सकते समझ में आ रहा है तो उनको कौन सा एक्ट अपल होता है सेक्रा सेक्रा का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जीपा मालिक ठीक है तो अब मेरे को बताओ ओके okay, अब मेरे को बताओ क्या प्राइवेट कंपनी क्या हम एनएसई में जाके बेच सकते हैं उसके शेयर्स नहीं क्योंकि वही रेस्ट्रिक्शन है इसलिए वर्ड क्या डाला हुआ उधर दे आर नॉट फ्रीली ट्रेडेबल ट्रांसफरेबल नहीं है मालिक वो जेपा मालिक ओके okay, अब मेरे को बताओ पब्लिक कंपनी मिनिमम कितने लोग सेवन मैक्सिमम नो लिमिट अब क्वेश्चन है क्या इधर शेयर ट्रांसफरेबल है शेयर आर फ्रीली पर फ्रीली का इंटरप्रिटेशन समझा इज इंटरप्रिटेशन फ्रीली मतलब कहां पर कर सकते हैं शेयर मार्केट में अच्छा अगर आपने दूसरी जगह बेचा तो भी ठीक है पर उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते अब सपोज मैंने ये ट्रेड किया मैंने शेयर बेचा और उसने पैसे नहीं दिए क्या मैं उससे रिकवरी कर सकता हूं नहीं क्योंकि कोर्ट क्या बोलेगी तुमने ये मार्केट में नहीं बेचा मार्केट की देखरेख में बेचना चाहिए था समझ में आ रहा है एवरीबडी

शेयर मार्केट में भाई यार कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है वो भी आ सकता है भेलपुरी वाला भी आ जाएगा तो एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी में थोड़ा वो प्राइवेट लिमिटेड बे, बेस्ड ऑन टीचिंग एचयूएल में इट कैन बी देयर ही कैन बी ओनर नो वरी पर प्राइवेट लिमिटेड नहीं प्राइवेट लिमिटेड के रेस्ट्रिक्शन है भारत मालिका मालिक एवरीबडी ठीक है मालिक तो पब्लिक कंपनी कैन वी ट्रांसफर शेयर एनी पॉइंट कोई भी प्रॉब्लम ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है क्या नहीं तो मेरे मेरा क्वेश्चन है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का मेनली डिफरेंस क्या क्या फटाफट बताओ पहले नंबर टू मैक्सिम टू हंड्रेड मिनिमम सेवन मैक्सिमड्रेड से नॉट ट्रांसफरेबल शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल और कुछ रेस्ट्रिक्शन किसमें होगा आर्टिकल कौन सी कंपनी के आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शन होगा प्राइवेट प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शन होंगे ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पब्लिक कंपनी में नो रेस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स आई होप क्लियर एवरीबडी ठीक है इसके अलावा और एक कंपनी है ओपीसी ओपीसी का फुल फॉर्म वन पर्सन कंपनी वन कंपनी में मेंबर्स कितने एक ही रहेगा मैक्सिमम मिनिमम का डिस्कशन मत करना इसमें मत लिखना मिनिमम वन मैक्सिमम वन दोनों एक ही है वन पर्सन कंपनी है लेकिन इसमें याद रखना एक चीज याद रखना एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी यानी अगर बाई चांस मेंबर मर गया तो कौन काम करेगा तो नॉमिनी बिकम्स मेंबर नॉमिनी बिकम द आई होप क्लियर मालिक ठीक है तो ये तीन पॉइंट पहला पहला तीन स्ट्रक्चर समझे क्या सबको मेरा क्वेश्चन है ओके अब मेरे को बताओ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एग्जाम्पल तोड़ लेते हैं तोड़ अब मैंने तोड़ कंपनी बनानी है तो मेरे को बताओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहा तो नाम क्या लिखा जाएगा तोड़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो गया कंपनी हो तोड़ प्राइवेट लिमिटेड तोड़ देख कभी भी अगर तेरे को कभी किधर शब्द ऐसा मिला तोड़ एंड कंपनी ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती है ये पार्टनरशिप फॉर्म है समझा तो आगे कंपनी लगाने की जरूरत नहीं है कंपनी में तो कंपनी है, है कैसे माना पड़ता नाम से तो मेरे को बता प्राइवेट लिमिटेड में क्या लगाया जाएगा तोड़ प्राइवेट लिमिटेड ये झेपा ठीक है पब्लिक लिमिटेड में क्या लगाओगे नहीं तोड़ लिमिटेड तो प्राइवेट लिमिट में क्या लिखा जाएगा तोड़ प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक में तोड़ लिमिटेड ओपीसी में क्या लिखेंगे <laughs> कभी भी ये लिखेंगे ओपीसी में तोड़ प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में लिखा जाएगा ओपीसी Okay, ये रहेगा तो मेरा क्वेश्चन है ओपीसी कौन सी कंपनी है प्राइवेट बस क्योंकि वो सिंगल मेंबर है इसीलिए उसको सेपरेट है याद रखना अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल बना देना कल परसों जो भी डिस्कशन में आए अगले हफ्ते तक खाली दो ही प्रकार की कंपनी होती है प्राइवेट एंड पब्लिक जो भी प्रकार आगे निकलेंगे आगे जो भी पढ़ाऊंगा मैं वो सब इन दो के ही और अलग अलग प्रकार है ओपीसी इज अ प्राइवेट बट हैविंग ए सिंगल मेंबर समझा तो कभी याद रखना हमेशा दो तरह की कंपनी होती है कौन सी कौन सी प्राइवेट पब्लिक अभी कल मैं आपको मतलब मैं एक ऐसा मैं बोलू एक लिस्टेड कंपनी भी है और एक अनलिस्टेड भी है ओके okay, अब लिस्टेड मतलब किसके पास लिस्टेड है ओके okay, किसके पास ओके स्टॉक एक्सचेंज कौन से दो स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई बी क्या इंडिया के बाहर भी स्टॉक एक्सचेंज है

तो सारे दोनों में फर्क क्या है सुन एक अच्छा मेरे को बता पब्लिक कंपनी को डिफाइन करो मैंने बोला पब्लिक कंपनी को डिफाइन करो मिनिमम सेवन मैक्सिमम नो लिमिट फ्रीली ट्रांसफरेबल ऐसा मैंने कहीं पर बोला फ्रीली ट्रांसफरेबल इन स्टॉक एक्सचेंज फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन ओके सपोज हमने अपन सपने मिलकर एक पब्लिक कंपनी खोली कौन सी कंपनी ठीक है अब मेरे पास शेयर है ओके मेरे पास सौ शेयर है कितने शेयर है और अपन लिस्टेड नहीं है क्या नहीं है तो अब अपने को बेचना है तो क्या करेंगे फ्रीली really ट्रांसफरेबल है फ्रीली really ट्रांसफरेबल अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा कौन खरीदेगा और खरीदने वाले के लिए डाउट मैंने समझा आपको थोड़ी देर पहले खरीदने वाले के लिए और बेचने वाले के लिए डाउट क्या है अगर ये ट्रांसफर करेगा ओके तो दबा इसको ट्रांसफर किया और इसने पैसे नहीं दिए <laughs> कोर्ट में जाने के लिए दिक्कत आएगी समझ रहे हो आप मतलब ये प्रूव करना क्योंकि मार्केट ही नहीं था ना तो इसीलिए पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड होती है उसमें भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज बाहर सेटल होगा कौन सी कंपनी बोला मैंने पब्लिक कंपनी लेकिन पब्लिक लिस्टेड रही तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सब कहां पर होगा स्टॉक एक्सचेंज में तो मेरे को बताओ ओके okay, तो मेरे को लिस्ट करने के लिए पहले क्या करना होगा आईपीओ आईपीओ छोड़ दे तो में मरेगा आदमी अरे भाई सबसे पहले कंपनी खोलनी होगी अच्छा क्या मैं डायरेक्टली लिस्टेड कंपनी का स्टेटस मिलेगा क्या तो मेरे को पहले कौन सी कंपनी खोलनी होगी पब्लिक और पब्लिक से पब्लिक से अब मुझे अच्छा मैं वापस आता हूं मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं सुनो शांति से हावड़े लोग ओके है ना पांच एक मिनट चलना करना इतना करना, करना कंट्रोल तू रो रहा है क्या हुआ लिस्ट नहीं हो पा रही इसलिए रो रहा है ठीक है यार कर लेंगे यार कोई टेंशन नहीं है इट्स ओके okay. मेरा पहला सवाल है कौन सी कंपनी खोलू लिस्ट करने के लिए तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कंपनी खोलनी पड़ेगी कौन सी कंपनी पब्लिक तो पब्लिक कंपनी कैसे खुलेगी एकदम मिनिमम सात लोग चाहिए और क्या चाहिए मेरे हाथ में एमओए एंड एओ किसके पास जाऊंगा आर ओ सी यारे यहा देख रहे हैं फिर आर क्या करेगा सिवाए देगा क्या कंपनी खुल गई अब देखो कंपनी धंधा कर सकती है धंधा और लिस्टिंग में कोई लेना देना नहीं है बस धंधे की वजह से लिस्टिंग का जो डिमांड और सप्लाई है ना वो कम ज्यादा हो सकता है धंधा बहुत तोड़ हुआ शेयर की डिमांड बढ़ेगी बस ये दोनों अलग अलग है अब मेरा क्वेश्चन है मेरे को लिस्ट करना है तो मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज दो स्टॉक एक्सचेंज का नाम बता दो अभी अपने इंडिया के बताओ एनएससी बी तो किसके पास जावे एनएससी अभी के पास गए को बोला भाई हमको लिस्ट करना है तो एन मुझे पूछेगा पब्लिक कंपनी आर्टिकल आर्टिकल देखेगा सब कुछ करेगा उसके कुछ कंप्लाइंसेज होंगे कितना प्रॉफिट कमाया क्या है क्या नहीं है देखो उसको फायदा कब होगा मेरे लिस्ट करने से कमीशन इसका मेन धंधा कमीशन पे है इसको ऐसे सबको लिस्ट करना ऐसा नहीं है अग, अच्छा मेरे को बताओ कमीशन कब मिलेगा जब ट्रेडिंग ज्यादा होगा या कम होगा तो जिसका ट्रेडिंग तोड़ होगा ना वो लिस्ट करते में इंटरेस्ट है समझ में आया तो वो फिर वो बोलेगा अच्छा 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 तुम्हारा ट्रेड हो सकता है हाँ तुम्हारे शेयर में इंटरेस्ट है प्रॉफिट है दिख रहा है पब्लिक खरीदेगी बेचेगी ठीक है लिस्ट करते है, नहीं तो ये मना कर सकता है लिस्ट नहीं करेंगे इस तरह से कार्यक्रम हो सकता है तो मेरे ख्याल से लिस्टेड में तो मेरे को क्वेश्चन बताओ क्या लिस्टेड, क्या लिस्टेड अनलिस्टेड अलग है या पहले यही है कितना भी कर लो पहले यही कंपनी है मैं बहुत बोल रहा हूं पहले तेरे को यह समझना जरूरी है दिमाग में ये डाल देना कभी भी लाइफ में मैंने तेरे को बोला कितने प्रकार की कंपनी बेस है इट इज ऑलवेज टू प्राइवेट पब्लिक इसके बाद तेरा ओपीसी प्राइवेट से निकला लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक से निकला ओके गवर्नमेंट कंपनी शेयर होल्डिंग से निकला होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी शेयर होल्डिंग से निकला एसोसिएट कंपनी शेयर होल्डिंग से निकला ये सब शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है मालिक भारत माता की है जेपा मालिक एवरीबडी ठीक है अपन कल के एजेंडा में कल के एजेंडा में ओके दो सुन लीजिए अभी मेरे को टाइम ये बता देंगे कैसा क्या स्ट्रक्चर है आपको एक दो तीन दिन पूरा मैनेज ये रहेगा लेकिन कल के एजेंडा में अपने दो काम होंगे ओके डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अवर्स है कितने घंटे मेरे को लेक्चर के लिए मिल रहे हैं उसके हिसाब से रहेंगे पर पहला अपना एजेंडा क्लोज करेंगे सबसे पहले ये जैसे अपन ये समझ चुके हो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड ये ये ऑल टुगेदर अपन डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे किसकी तरफ एंड आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन मॉड्यूल बिकॉज डेफिनेशन वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कंपल्सरी इसके बाद अगर मेरे को टाइम मिला कल तो कल अपन वो बेसिक क्वेश्चन करेंगे नहीं मिला तो अपन डे आफ्टर टुमारो में तो दो दिन आपका क्या क्या डिस्कशन है डेफिनेशन एंड बेसिक्स ठीक है ये होने के बाद आपका थर्ड लेक्चर आ जाएगा जो मेन लेक्चर होगा रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन जब मैं थर्ड लेक्चर बोल रहा हूं तो इट मीन्स अभी मेरे को आज जैसे घंटे मिले वैसे वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स मिला तो नहीं तो फिर वो एक एक दिन ये हो जाएगा पर अगर मेरा लास्ट लेक्चर है तो आपने एज्यूम करना है समझा गया लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा पंद्रह बीस मिनट आगे पीछे करना है है लेकिन लॉजिक होपफुली बोर नहीं हो रहा भाई हो रहा क्या हो रहा तो सॉरी क्या कर लूंगा मैं आ गया है। अभी क्या <laughs> <laughs> ये है जोक तो आपका दो एजेंडा है आपको 100% परसेंट स्टैंप लिख के देता अगले दो मतलब दो लेक्चर में आपको क्वेश्चन एक, एक, एक एग्जाम में रहता ही रहता है अगले दो लेक्चर में ये क्लियर है, उसके बाद भी है हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूं, चाहिए मुझे और टेक्स्ट बुक दोनों लगेंगे, क्योंकि तो कल का अपना एजेंडा कल और परसों का एजेंडा और उसके बाद अपन जाएंगे रजिस्ट्रेशन और ये खत्म होने के बाद फिर अपने दो प्रोसेस कौन से एमओए एंड एक लेक्चर एमओ ए पे एक क्लियर मालिक तो ये अपना मिनिमम दस मार्क का सिलेबस मिनिमम बोला मैंने किस्मत रही इट कैन गो अप टू फिफ्टीन मार्क्स ऑल्सो तो पंद्रह से ऊपर नहीं जाएगा ये गारंटी है पंद्रह वुड भी मैक्सिमम मैक्सिमम पर इतना पॉइंट अपने लिए रहेगा आत्मा क्लियर सी यू टुमारो आप एक दस मिनट का ब्रेक लीजिए सर आ जाएंगे आस्ताला विस्ता पास्ता कास्ता पास्ता मेरा शेर बाड़ी मेरा शेर भूल गया था यार नशे ढापने का नहीं रहे तो हाँ करेंगे ना मैंने एनसीएलटी अभी तक सबको बताया नहीं है तो अभी तू तो एनसीएलटी बोलेगा आधे बोलेंगे माँ कसम दला क्या नाम ले रहा आने नहीं देना तू तो घाई है क्या तू तो जून दे रहे क्या नहीं ना करना नाम से हाँ हाँ तो ये टेंशन नहीं है हाँ कर लेना आराम से क्या दिक्कत है मेरा तो हो जाएगा रे मेरा कोई टेंशन नहीं है मेरा तो अभी में है। मेरा खाली एक दस बारह दिन का गैप रहेगा ऑपरेशन की वजह से मेरा